यहाँ पर हम देखें इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में अध्ययन करें। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकी? विज्ञान और तकनीक के इस युग में हुई प्रगति, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। दूर संचार, उपग्रह संचार, मनोरंजन के क्षेत्र से लेकर के कंप्यूटर, मौसम विज्ञान, नाभिकीय भौतिकी जैसे क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित कर कार्य संपादित किए जाते हैं। यद्यपि निर्वात नलिकाओं पर आधारित युक्तियों के निर्माण के उपरांत ही इलेक्ट्रॉनिकी का युग प्रारंभ हुआ, पर वर्तमान में अर्धचालकों पर आधारित युक्तियों ने लगभग सभी उपयोगों में निर्वात नलिका युक्तियों को प्रतिस्थापित कर दिया। अर्धचालक युक्तियां न तो केवल इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों को आकार में छोटा एवं कार्य कुशलता में अधिक दक्ष बनाया जाता है, बल्कि इनकी कम लागत से इन्हें सर्वसाधारण के उपयोग हेतु सुलभ बनाया है। उदाहरण के लिए हम देखें, पर्सनल कंप्यूटर को देखा जा सकता है जो आकार में बहुत छोटा है, जबकि निर्यात नलिका पर आधारित पुरातन कंप्यूटर जैसे बड़े कमरे के आकार के होने के कारण केवल साधारण गणनाओं के कार्य तक ही सीमित थे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के कार्य RIS युक्ति, सोलर सेल भी अर्धचालकों से निर्मित है। अर्धचालक युक्तियों के व्यवहार की जानकारी के लिए अर्धचालकों के सैद्धांतिक पक्ष की जानकारी आवश्यक है। तो इस दृष्टि में हम अर्धचालकों की प्रकृति, उनके चालन प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। कुछ सामान्य अर्धचालक जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर के उपयोग की भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठोस में ऊर्जा बैंड यानी एनर्जी बैंड इन सॉलिड। परमाणु संरचना संबंधी अध्ययन, हम जानते हैं कि किसी भी विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन सुपरिभाषित ऊर्जा स्तरों में रहने के लिए बाध्य होते हैं। परमाणु में स्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन इस विभक्त ऊर्जा स्तरों में से किसी एक में रहता है। किसी ऊर्जा स्तर में उपस्थित हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या पॉली अपवर्जन नियम की सहायता से निर्धारित होती है। सबसे भारी ऊर्जा स्तर जिसमें परमाणु की अनुचित अवस्था में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, संयोजकता ऊर्जा स्तर कहलाती है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें सोडियम। देखें कि प्राय अधिकांश ठोस पदार्थ जिनमें धातुएं भी सम्मिलित हैं क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणु एक निश्चित आवर्ती व्यवस्था में स्थित होते हैं, तथा निकटवर्ती परमाणु बहुत ही अल्प दूरी जिसे जालक नियतांक कहा जाता है से पृथक होते हैं। जालक नियतांक का मान विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है और यह परमाणु के आकार की कोटि का ही होता है। स्पष्ट है कि निकटवर्ती परमाणु में इतनी अल्प दूरी होने के कारण किसी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन न केवल उसके नाभिक के कूलाम्ब बल से प्रभावित होंगे, अपितु निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिक एवं अन्य इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भी इन पर कूलाम्ब बल कार्यकारी होगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ठोसों के परमाणु परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और वस्तुतः अंतःक्रिया ही विभिन्न परमाणुओं में आबंधन के लिए उत्तरदायी होती है जो क्रिस्टलीय संरचना निर्मित करते हैं। जब क्रिस्टल में परमाणु अंतःक्रिया कर रहे होते हैं तो विलगित नहीं होते हैं, अतः परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिकी के ऊर्जा स्तर विलगित परमाणुओं के ऊर्जा स्तर के समान नहीं रहते हैं। अंतःक्रिया के कारण क्रिस्टल के परमाणुओं में ऊर्जा स्तर रूपांतरित हो जाते हैं। इन रूपांतरण को समझाने के लिए पहले हम दो सामान्य परमाणु की अंतःक्रिया पर विचार करते हैं। प्रारंभ में माना कि परमाणु परस्पर इतनी दूरी पर है कि इनमें कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। यदि दो परमाणुओं के मध्य दूरी उनकी रेखीय विमा यानी कि टर्म आर्मस्ट्रॉन्ग से बहुत अधिक यानी कि 50 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, तो ऐसा माना संभव है कि ऐसी स्थिति में दोनों परमाणुओं को विलगित माना जा सकता है और इन परमाणुओं के ऊर्जा स्तर समान एवं ठीक विलगित परमाणुओं में ऊर्जा स्तर की भांति होते हैं। और यहाँ पर यदि दोनों परमाणु और निकट लाए जाएं तो इनमें अंतःक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस कारण दोनों परमाणुओं का प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है, जिसमें एक विलगित परमाणु के संगत मूल ऊर्जा से थोड़ी अधिक ऊर्जा और दूसरा मूल ऊर्जा से थोड़ी कम ऊर्जा का होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दो परमाणुओं से बने इस निकाय में एकल परमाणु तंत्र के प्रत्येक ऊर्जा स्तर के संगत दो ऊर्जा स्तरों का समूह बन जाता है। ऊर्जा स्तरों में यह परिवर्तन पॉली अपवर्जन नियम के अनुरूप ही होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये 3s बैंड दिखाया गया है, ये 2p बैंड है, 2p बैंड और ऊपर होगा, सबसे पहले 1s बैंड होगा, 1s बैंड के बाद 2s बैंड, 2s बैंड के बाद 3s, 2p बैंड और फिर 3s बैंड आएगा। तो यहाँ पर हम देखकर विलगित परमाणु के ऊर्जा स्तर के अंतःक्रिया से ऊर्जा अंतःक्रिया विभाजन बैंड निर्माण की विभाजन
परमाणु निकट लाए जाते हैं तब इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया एन परमाणुओं के निकाय में प्रत्येक परमाणु के एकल ऊर्जा स्तर के स्थान पर एन ऊर्जा स्तर होंगे और यदि एन का मान बहुत अधिक है तो एन ऊर्जा निकट होंगे कि इन्हें लगभग ऊर्जा समूह अधिक होता है और 10^22 परमाणु घन सेंटीमीटर होते हैं। यदि बैंड की न्यूनतम एवं अधिकतम ऊर्जा में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर है तो इस बैंड में 10^22 ऊर्जा स्तर होंगे जो निकटतम ऊर्जा स्तरों में अंतराल लगभग 10^22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इससे सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल के लिए व्यवहारिक रूप में माना जा सकता है। किसी ऊर्जा बैंड के भीतर ऊर्जा सतत मानी जाती है। ऊर्जा बैंड निर्माण की यह प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है कि यहाँ पर ध्यान देगी परमाणुओं को परस्पर निकट लाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम सभी परमाणुओं के आरितम कक्ष और परमाणु के आंतरिक कक्षों पर अंत के संगत ऊर्जा बैंडों की चौड़ाई भी अपेक्षाकृत कम होगी। इसे यहाँ पर हम देखें कि एक परमाणु के लिए वन एस के संगत ठोसों में ऊर्जा बैंड होते हैं जिन्हें 1s बैंड और 3s बैंड कहा जाता है। बढ़ते हुए संयोजकता स्तर पहुंचते हैं। सोर्स में संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में होते हैं उसे संयोजकता बैंड कहा जाता है। जिस प्रकार विलगित परमाणु में अनुमत विभक्त ऊर्जा स्तरों के बीच ऐसे ऊर्जा अंतराल होते हैं जिनके संगत कोई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार ठोस में ऊर्जा बैंडों के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल होते हैं और इन ऊर्जा अंतरालों में संगत ऊर्जा का कोई भी द्रव्यमान ठोस में नहीं होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रत्येक ऊर्जा में ऊर्जा बैंडों का बनना एक जैसा नहीं होता है परंतु विभिन्न ठोसों में ऊर्जा बैंडों के ऊर्जा विस्तार एवं वर्जित ऊर्जा अंतरालों को मान भी भिन्न होते हैं। जिस प्रकार उपयुक्त ऊर्जा प्राप्त कर परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं उसी प्रकार ठोसों में इलेक्ट्रॉनों के लिए संक्रमण संभव होते हैं। ठोसों में यह संक्रमण दो प्रकार के होते हैं, एक ही बैंड के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण और विभिन्न बैंडों के मध्य ऊर्जा संक्रमण। दोनों ही संक्रमणों के लिए उच्च ऊर्जा स्तर का रिक्त होना अनिवार्य है। एक ही बैंड के दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों में अति सूक्ष्म अंतर होने के कारण इस प्रकार के संक्रमण के लिए अल्प ऊर्जा की आवश्यकता होती है जबकि दो क्रमागत बैंडों में संक्रमण के लिए इलेक्ट्रॉनों को वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चालक कुचालक एवं अर्धचालक का वर्गीकरण। नेक्स्ट हम देखें कि विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी परास बहुत बड़ी है और हम धातुओं के बारे में जानते हैं जिनकी विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है। दूसरी ओर क्वार्टज अभ्रक जैसे कुचालक पदार्थ हैं, इनकी चालकता बहुत कम होती है। ऐसे पदार्थ भी ज्ञात हैं जिनकी सामान्य तापक्रम पर चालकता धातुओं से बहुत कम होती है किंतु कुचालक से बहुत अधिक होती है, इन्हें अर्धचालक कहा जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके उदाहरण है। अर्धचालकों को चालकता न केवल चालकों और कुचालकों के मध्यवर्ती है बल्कि इनकी चालकता का ताप के साथ परिवर्तन भी रोचक है। परम शून्य के निकट तो इनका व्यवहार कुचालकों के समान होता है पर ताप में वृद्धि होने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है जो धातुओं के लिए प्रेक्षित व्यवहार से विपरीत होती है। विद्युत चालकता से संबंधित सामान्य नियम सामान्य सिद्धांत जिसे हम पढ़ सकते हैं कि ठोस पदार्थों की चालकता भिन्न भिन्न क्यों है, कोई ठोस पदार्थ या कोई पदार्थ अचालकता का व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है, धातु और अचालकों की चालकता के ताप के साथ विभिन्न परिवर्तन भिन्न प्रकार से क्यों है। ठोसों के ऊर्जा बैंड संबंधी सिद्धांत के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए इन चालक कुचालक और अर्धचालकों की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं। प्रत्येक ठोस पदार्थ की अपनी बैंड संरचना होती है, इसका विद्युत चालन संबंधी व्यवहार निश्चित होता है। जैसे कि चालक की बात करें, कंडक्टर की, चालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनमें बह बैंड होता है जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल आंशिक रूप से भरा होता है या इस बैंड में अगले ऊर्जा बैंड में अति व्यापन होकर एक नवीन बैंड बनाता है जो कि आंशिक रूप से भरा होता है। इन दोनों ही स्थितियों में बैंड में रिक्त ऊर्जा स्तर उपलब्ध होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहरी है विद्युत क्षेत्र से प्राप्त ऊर्जा के कारण उत्तेजित तो संक्रमण हो जाता है। उदाहरण के लिए हम सोडियम जो कि एक एकल संयोजी धातु है उस पर विचार करते हैं। इसके लिए बैंड संरचना इस प्रकार से होती है कि 1s 2s 2p बैंड अपनी क्षमता तक इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं पर 3s बैंड अपनी क्षमता का आधा ही भरा होता है। इसका कारण है कि विलगित सोडियम परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 1s 2s और 2p ऊर्जा स्तर पूर्णतः भरे होते हैं और 3s ऊर्जा स्तर इसकी क्षमता में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होने पर भी केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही है। पूर्ण भरे आंतरिक विद्युत
बैंड विद्युत चालन की दृष्टि से उपयोगी नहीं है क्योंकि इसके ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन संक्रमित नहीं हो सकते हैं। आंतरिक बैंड से 2s और 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन संक्रमित नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही स्थितियों में इलेक्ट्रॉन का रिक्त ऊर्जा स्तर उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत 3s बैंड में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण के लिए इस बैंड के आधे स्तर तक उपलब्ध है। इस कारण सोडियम का विद्युत चालकता व्यवहार इस अंशतः भरे हुए बैंड के कारण होता है। इस बैंड को हम देखें कि इस बैंड का निचला अर्धभाग है संयोजी बैंड कहलाता है, ऊपर स्थित अर्धभाग है चालक बैंड कहलाता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड के इस भाग में पहुंचते हैं तब चालन की क्रिया में भाग लेते हैं। सोडियम के लिए अपूरित 3s बैंड की बात करें, जैसे चालन बैंड है यहाँ पर, ये संयोजकता बैंड है, जैसे कि ये यहाँ पर अंदर वाला चरण संयोजकता बैंड कहलाएगा, ये रिक्त ऊर्जा स्तर कहलाएगा, ये पूर्ण ऊर्जा स्तर बैंड कहलाएगा 3s बैंड के अकॉर्डिंग। चालकता बैंड में ये अतिव्यापन होगा सेंटर वाला, ये संयोजकता बैंड होगा 3s वाला। यहाँ पर हम देखें, देखिए मैग्नीशियम के लिए बैंड अति व्यापन दिखाया गया है, यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए सोडियम के लिए अपूरित 3s बैंड दिखाया गया है और मैग्नीशियम के लिए अति व्यापन दिखाया गया है यहाँ पर। तो सोडियम की तरह एकल संयोजी तत्वों में इसी प्रकार के अर्धपूरित बैंड होते हैं। मैग्नीशियम, जिंक और उनकी तरह के अन्य तत्व जो आवर्त तालिका के द्वितीय समूह के सदस्य हैं, द्वि संयोजी धातुओं की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार तत्वों को ठोस अवस्था में बैंडों का अतिव्यापन होता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, जबकि परमाणु अवस्था में हम देखें 3s और 3p ऊर्जा स्तर में ऊर्जा अंतराल होता है। परंतु क्रिस्टलीय निर्माण की प्रक्रिया में ऊर्जा स्तरों में विभाजन इस प्रकार होता है कि पूर्णतः 3s बैंड पूर्णतः रिक्त 3p बैंड से अतिव्यापित होता है। इस अतिव्यापित बैंड में अब इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो सकते हैं और 3p बैंड चालन बैंड कहलाता है और इस प्रकार संयोजकता बैंड और चालन बैंड अतिव्यापन हो जाते हैं, यानी ओवरलैप कर जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के धातुओं में संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा और चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा के मध्य कोई अंतराल नहीं होता है, इस कारण धातुओं के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। तो सामान्यतः विद्युत धारा स्रोतों से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होने वाली ऊर्जा 10^-4 से 10^-8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो इस प्रकार है कि अंशतः भरे हुए बैंड के इलेक्ट्रॉनों को उसी बैंड के रिक्त ऊर्जा स्तरों में पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि पहले से स्पष्ट हो चुका है कि किसी बैंड में ऊर्जा स्तरों में अत्यल्प सूक्ष्म अंतर होता है, इस कारण ऐसे बैंड में इलेक्ट्रॉन रिक्त ऊर्जा स्तर उपलब्ध होने के कारण अत्यल्प ऊर्जा प्राप्त करने में उसी प्रकार समर्थ होते हैं जैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म ऊर्जा ग्रहण कर रिक्त ऊर्जा स्तरों में पहुंचते हैं तब उनका अपव्यय होता है और इसके कारण चालन संभव होता है। धातुओं में इस प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा स्तर दोनों ही विपुल मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इस कारण धातुओं की विद्युत एवं ऊष्मा चालकता दोनों ही उच्च होती है। धातुओं के लिए सामान्य तापमान पर विद्युत चालकता की कोटि 10^6 से 10^8 मेहोमीटर होती है। इसी तत्व को हम प्रदर्शित करते हैं। तापीय ऊर्जा से धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तापीय ऊर्जा का प्रवाह केवल यह होगा कि चालन बैंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ठोस के कंपनशील आयनों से होने वाली टक्करों में वृद्धि हो जाएगी और इस कारण उनकी चालकता ताप में वृद्धि के साथ घट जाएगी। कुचालक की बात करें, यह एक ऐसा ठोस पदार्थ है जिनकी ऊर्जा बैंड संरचना में संयोजकता बैंड पूरी तरह भरा हो जबकि इसमें कम ऊर्जा वाला चालन बैंड पूरी तरीके से रिक्त होता है। इसके अतिरिक्त संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा ई और चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा ई सी में ऊर्जा अंतराल से जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है बहुत अधिक होता है और बहुधा यह वर्जित ऊर्जा अंतरालों को हम ईजी इक्वल टू ईसी माइनस ईबीसी देंगे, यानी जो एनर्जी बैंड गैप होगा उसके अकॉर्डिंग। तो कुचालक पदार्थों के लिए इसका मान 3 से 7 वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। पूर्णतः रिक्त बैंडों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इन बैंड को विद्युत चालन में कोई योगदान नहीं होता है। इसी कारण पूर्णतः भरे बैंडों में इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक है परंतु विद्युत ऊर्जा से ऊर्जा ग्रहण कर संक्रमण करने और उत्तेजित होने के लिए आवश्यक रिक्त ऊर्जा स्तर उपलब्ध नहीं है, इस कारण इनका विद्युत चालन में योगदान नहीं होता। जैसा कि पहले से स्पष्ट हो चुका है कि सामान्य प्रयुक्त विद्युत स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा अत्यल्प होती है, अतः इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है। इसी प्रकार सामान्य ताप और यहाँ तक कि उच्च तापक्रम पर भी संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉनों को वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि की ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी। इस कारण सामान्य प्रयुक्त विद्युत क्षेत्रों और ताप से ऊर्जा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंच जाते हैं, इस कारण ऐसे ठोस ठोस है कुचालक कहलाते हैं। तो चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होगा,
वर्जित ऊर्जा अंतराल के अकॉर्डिंग ये 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और कुचालक ऊर्जा बैंड के अकॉर्डिंग ये संयोजी बैंड है, पूर्णतः भरा होगा। उदाहरण के लिए हम देखें, हीरा वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इत्यादि कुचालकों की श्रेणी में आते हैं, और प्राय कुचालक पदार्थों की चालकता 10 की पावर 12 मेहो मीटर से 10 की पावर 18 मेहो मीटर के मध्य होती है। अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक किसी ठोस पदार्थ है जिसकी बैंड संरचना मूलतः कुचालकों की तरह होती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कुचालकों की अपेक्षाकृत कम, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। परम शून्यता पर इसमें संयोजकता बैंड पूरी तरीके से भरा हुआ है और चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। इस कारण दोनों बैंडों का विद्युत धाराम चालन में कोई योगदान नहीं होता है। यह ठीक वही व्यवहार है जो कुचालक प्रदर्शित करते हैं। परम शून्यता पर अर्धचालक और कुचालक की तरह व्यवहार करता है। परिमित ताप जैसे कि कक्ष ताप या उससे अधिक ताप पर संयोजी बैंड के ऊपरी भाग में स्थित ऊर्जा स्रोतों के कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण कर चालन बैंड में चले जाते हैं। इस स्थिति में अब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं और चालन की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इसी प्रकार अब संयोजकता बैंड में कुछ ऊर्जा स्तर रिक्त हो जाते हैं, जिसमें उनकी बैंड के इलेक्ट्रॉन संक्रमित होकर के धारा चालन की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। संयोजकता बैंड में चालन प्रक्रिया को धनात्मक मुक्त आवेश हॉल के द्वारा होना माना जाता है, जिसे अगले अध्याय में हम समझेंगे कि इस कारण परिमित ताप पर अर्धचालकों की चालकता कुचालकों से अधिक होती है, किंतु तापीय ऊर्जा के कारण संयोजक बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का बहुत छोटा अंश चालन बैंड में पहुंच जाता, और इस कारण चालनों की पदार्थों के चालन बैंड द्वारा चालन की प्रक्रिया में इतना योगदान नहीं दिया जाता जितना कि चालन के चालकों के चालन बैंड में बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा की दिया जाता है। यही कारण है कि इनकी चालकता चालक पदार्थों की तुलना में, परंतु हम विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अर्धचालकों की चालकता कुचालक और चालकों के चालकता के मध्यवर्ती होती है, ऐसे अर्धचालक कहने का कारण है। नैन अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, तो जो ये हम आगे देखेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड कुछ अति उपयोगी अर्धचालकों के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त लेड सल्फाइड, इंडियम एंटीमनाइड, गैलियम फास्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड भी अर्धचालक हैं। जैसे सिलिकॉन की बात करें 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम की बात करें 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंडियम एंटीमाइड की बात करें 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलियम आर्सेनाइड की बात करें 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल हैं। नैन अर्धचालकों की बात करें, ऐसे अर्धचालक क्रिस्टल जिनमें कोई अपद्रव नहीं हो नैन अर्धचालक कहलाते हैं। आदर्श अवस्था में इस प्रकार के नैन अर्धचालक केवल उसी अर्धचालक के परमाणु होने चाहिए, किंतु व्यवहार में इस प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं होगा। अतः यदि अर्धचालकों के पदार्थ अशुद्ध परमाणुओं की संख्या और अर्धचालक परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:10^8 से कम है, तो उसे नैन अर्धचालक माना जाता है। नैन अर्धचालकों के गुणधर्मों के अध्ययन के लिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को उदाहरण के रूप में लेते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही तत्व आवर्त तालिका के चतुर्थ वर्ग के सदस्य हैं, और इनकी संयोजकता 4 होती है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d की पावर 10, 4s2, 4p की पावर 2। इसी तरीके सिलिकॉन की हम देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 के अकॉर्डिंग होगी। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए समचतुष्फलकीय संरचना के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, इन दोनों ही तत्वों के क्रिस्टल संरचना में परमाणु एक क्रमित व्यूह को इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक परमाणु एक समचतुष्फलक के अंदर होता है। इसके 4 अन्य कोणों पर उनके निकटवर्ती परमाणु होते हैं। एक ऐसी चतुष्फलकीय इकाई दर्शाई गई है, एक परमाणु की प्रत्येक संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन से मिलकर के सह संयोजक आबंध बनाने में भागीदारी करता है। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु 4 सह संयोजकीय बंधों के द्वारा अपने निकटवर्ती परमाणुओं से संबंध रखता है। प्रत्येक सह संयोजी बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर जर्मेनियम की क्रिस्टल संरचना को दीवियम रूप से दर्शाया जाता है, जो सिलिकॉन के लिए भी काम में ली जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि 0K पर जर्मेनियम की क्रिस्टल संरचना दिखाई गई है, और इलेक्ट्रॉन और हॉल युग्म यहाँ पर दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन और हॉल यहाँ पर किस तरीके से अपनी संयोजकता बनाते हैं यहाँ पर, तो परम शून्य ताप पर सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन सह संयुग्मी आबंधों में परिबद्ध रहते हैं, अतः विद्युत चालन के लिए एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण परम शून्य ताप पर नैन अर्धचालक कुचालक जैसे व्यवहार करते हैं। क्रिस्टल के ताप में वृद्धि करने पर कुछ सह संयोजक पर इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करके अपने सह संयोजी आबंध मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के यादृच्छिक रूप में विचरण करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अर्धचालक पर बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर विद्युत चालन में योगदान करते हैं। सह संयोजी आबंध में एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने पर रिक्तता उत्पन्न हो जाती है। इस रिक्तता को हॉल या क्वार्टर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में समान परिणाम के धनावेश के तुल्य है, अतः हॉल के आवासीय रूप से इलेक्ट्रॉन के परिणाम के समान किंतु धनावेश आवेश माना जा सकता है। जैसा कि आगे समझाया गया है कि हॉल भी
अर्धचालकों में विद्युत चालन में योगदान करते हैं। किसी भी अर्धचालक में जब भी एक सहसंयोजी आवरण टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म उत्पन्न होता है और कमरे के ताप पर इसके निकटवर्ती तापक्रमों पर ऐसे अर्धचालकों में कई इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म उपस्थित होते हैं। परिमित ताप पर इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म उत्पादन की इस प्रक्रिया में हम देखें कि सामान्य ताप पर अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व हॉल यादृच्छिक गति करते हैं और हॉल की यादृच्छिक गति यहाँ पर दिखाई गई है कि तापीय ऊर्जा के कारण किसी सहसंयोजी आबंध में स्थान ए से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जिससे इस स्थान पर एक हॉल उत्पन्न हो जाता है। निकटवर्ती परमाणुओं से संयोजकता इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध तोड़ करके स्थान ए पर स्थित हॉल पर संक्रमण करें और ए पर सहसंयोजी आबंध पूर्ण हो जाता है, पर अब स्थान बी पर हॉल उत्पन्न हो जाता है और ऐसी प्रक्रिया में अत्यल्प ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म के उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत कम होती है। इस कारण यह है कि यह इलेक्ट्रॉन केवल एक आबंध से दूसरे आबंध में संक्रमण कर रहा है और एक आबंध में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन औसतन समान ऊर्जा के होते हैं। और यहाँ पर सी से बी पर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होने पर हॉल बी से सी पर संक्रमण करेगा और यहाँ पर इस प्रकार किसी अर्धचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन व हॉल दोनों यादृच्छिक गति करते हैं क्योंकि हॉल इलेक्ट्रॉन आवेश का मुक्त कण माना जाता है। अतः अर्धचालकों में हॉल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही आवेश वाहकों की कार्य करते हैं और विद्युत चालन में योगदान करते हैं। नैज अर्धचालकों में हॉल इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पादन की इस प्रक्रिया को बेंड सिद्धांत के आधार पर समझा सकता है। अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल बंद इलेक्ट्रॉन बट कोटि का होता है। परम शून्य ताप पर संयोजकता बैंड पूरी तरह भरा होता है तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। अतः अर्धचालक के कुचालक का व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्रिस्टल के ताप में वृद्धि करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण कर वर्जित ऊर्जा बैंड को पार करने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। संयोजकता बैंड में इन इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर हॉल उत्पन्न होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संक्रमण के संगत एक हॉल उत्पन्न होने के कारण यह भी इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म की उपस्थिति समझी जा सकती है। चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और यादृच्छिक गति करते रहते हैं। इसी प्रकार संयोजी बैंड में हॉल यादृच्छिक गति करते रहते हैं। वस्तुत आवंत टूटने से इलेक्ट्रॉन की संयोजकता बैंड से चालन बैंड में पहुंचने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तरह व्यवहार करने की बातें समतुल्य हैं। यह भी कहा जा सकता है कि तापीय ऊर्जा के कारण सहसंयोजी आवंत टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड के चालन बैंड में पहुंचता है। अतः इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बैंड अंतराल ऊर्जा यानी ईजी के बराबर होगी। और यह प्रश्न उठता है कि कमरे के ताप पर 300 के पर इलेक्ट्रॉन की औसत गति ऊर्जा की कोटि केटी की पाई इक्वल टू 1 की पावर 40 यानी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जबकि संक्रमण हेतु आवश्यक ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि होगी, तब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन तब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड किस प्रकार पहुंचते हैं यह ध्यान यहाँ पर देना आवश्यक है। केटी ताप का उपयोगी मान यानी उपयुक्त मान संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा का सूचक है, न कि सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का। तो बहुत अल्प संख्या में ऐसे इलेक्ट्रॉन ही होंगे जो कमरे के ताप पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि ऊर्जा रखते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन की संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इस बैंड से संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर चले जाते हैं चालन बैंड में और यहाँ पर जगह खाली हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन है इस बैंड में चले जाएंगे तो यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो संयोजी बैंड से जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तभी यहाँ पर नैन अर्धचालक पर ताप का प्रभाव दिखाया गया है कि ताप बढ़ने पर ये चालक बन जाते हैं। तो नैन अर्धचालक है, ताप बढ़ने पर चालक बन जाते हैं। तो किसी नैन अर्धचालक में सभी परिमित तापों पर ताप जनित इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या समान होती है। यदि नैन अर्धचालक में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन होलों की संख्या एन और पी है तो एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई होगा यानी एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन आई को अर्धचालक में नैज नैज आवेश वाहक घनत्व भी कहते हैं। नैज अर्धचालक के ताप में वृद्धि होने पर पूर्ववर्ती तापों की तुलना में अधिक सहसंयोजी आवरण टूटने से अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों के संयोजकता बैंड में चालन बैंड में पहुंचने के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन होल युग्म संख्या में वृद्धि होती है और एनआई ताप पर निर्भर करता है, ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। इस प्रकार दो भिन्न अर्धचालक उदाहरण के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम यदि समान ताप पर हो क्योंकि इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी के मान का समान नहीं है, अतः अपेक्षाकृत ईजी मान के अर्धचालक में टूटने योग्य आबंध अधिक होंगे और अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संक्रमित होते हैं। समान ताप पर दो अर्धचालक जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल समान नहीं है इनमें नैज आवेश वाहक घनत्व समान न होकर अपेक्षा आवेश वाहक घनत्व ताप अर्धचालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और गणितीय रूप से इस निर्भरता को हम सूत्र से देख सकते हैं यानी कि एन आई इक्वल टू ए टी की पावर 3/2
एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई जी डिवाइड बाई टू के टी। टी परम ताप है, के बोल्ट्जमान नियतांक है और ए यहाँ पर अन्य नियतांक है। समान ताप पर नेज नियतांक श्रीकरण की बात करें, इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम इज इक्वल टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुलना में, नेज जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन होल युग्मों की संख्या नेज सिलिकॉन की तुलना में अधिक होती है। अर्धचालकों में विद्युत चालन की बात करें, किसी नेज अर्धचालकों के स्वरूप पर विद्युत विभव लगाने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन व होलों का यादृच्छिक गतियां संशोधित हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन अर्धचालकों में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर अपव्यय करते हैं, जबकि होल हैं होल सिरे से अर्धचालकों में ऋण सिरे की ओर अपव्यय करते हैं। दूसरे शब्दों में, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में अपव्यय करते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में विद्युत दिशा बहेगी उसी डायरेक्शन में होल जाते हैं, तो होल उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे होल उस डायरेक्शन में जाते हैं, और विद्युत धारा की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जैसे कि विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा, इस दिशा में होगा, और धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा, यानी कि करंट और जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहते हैं। तो बाहरी परिपथ में हम देखें कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा प्रयुक्त क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉन व होल के अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होते हैं। यदि BN और BP क्रम से इलेक्ट्रॉन व होल के अपवाह वेग हैं तो BN समानुपाती E, BN इक्वल टू UN इक्वल टू E, BP इक्वल टू समानुपाती E और BP इक्वल टू UPE होगा। UN और UP क्रम से इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलता कहलाती है और m² b की पावर -1 s की पावर -1 से मापा जाता है। तो BN इक्वल टू -μe और BP इक्वल टू μPe हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्षेत्र E की दिशा के विपरीत गति करते हैं और किसी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यदि इलेक्ट्रॉन अपवाह के कारण धारा घनत्व Zn, हॉल प्रवाह के कारण Zp द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अर्धचालकों में अपवाह के कारण कुल धारा घनत्व Z इक्वल टू Zn प्लस Zp घनत्व की परिभाषा के अकॉर्डिंग आवेश भाग संख्या घनत्व इंटू आवेश इंटू अपवाह के अकॉर्डिंग होगा ये। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का अपवाह वेग विपरीत दिशाओं में है, परंतु दोनों के संगत धारा घनत्व एक ही दिशा में है, अतः कुल धारा घनत्व आ जाएगा जेड इक्वल टू जेड एन प्लस जेड पी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जेड इक्वल टू जे एन म्यू एन प्लस के पी म्यू पी के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पर, यानी विद्युत चालकता की परिभाषा के हम देखें, रो इक्वल टू जे डिवाइड बाई ई होगा, यानी अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, रो इक्वल टू 1/रो के अकॉर्डिंग आ जाएगी। यानी चालकता व प्रतिरोधकता हम देखें, रो इक्वल टू एन आई ई म्यू एन डिवाइड बाई म्यू पी के अकॉर्डिंग हो गई, यानी पी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन आई ई म्यू एन प्लस म्यू पी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन और होल के आवेश परिणाम में समान होने के उपरांत भी इनकी गतिशीलता समान नहीं होती है। विद्युत धारा प्रभाव में योगदान के लिए होल ऐसे धनात्मक कण की भांति व्यवहार करता है जिससे कुछ प्रभावी द्रव्यमान भी है, तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, तो इस कारण इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलता भी भिन्न होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न पदार्थों में इलेक्ट्रॉन और होल की प्रभावी द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इस कारण पदार्थों में इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलता भिन्न भिन्न होती है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए तापमान है वो टी इक्वल टू 300 K पर म्यूऑन और म्यू एन और म्यू आई के मान दिए गए हैं। जैसे कि सिलिकॉन के लिए 0.13 है न्यूट्रॉन, और होल की इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या 0.048 है, और ये यहाँ पर Ni² के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो अर्धचालकों में जर्मेनियम के लिए 0.39 है। तो यहाँ पर हम देखें कि अर्धचालकों में धारा प्रवाह में क्योंकि ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों प्रकार के मुक्त आवेश भाग लेते हैं, अर्थात अर्धचालकों में चालन द्विध्रुवीय चालन कहलाता है। इसके विपरीत धातुओं में केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण चालन होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाह में योगदान होता है, इसलिए धातु में एकल ध्रुवीय चालन यानी यूनिपोलर कंडक्शन होता है। नए अर्धचालकों की चालकता पर किसी अर्धचालक की चालकता नए अर्धचालकों की चालकता इसमें उपस्थित धारा वाहकों की संख्या एनआई पर निर्भर करती है। यदि एनआई का ताप टी वे अर्धचालकों में बढ़ते ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करता है, तो रो की यहाँ पर वैल्यू यानी कि रो यानी यहाँ पर ये यह कहा है गामा एक ऐसी राशियों पर निर्भर करती है जिसे अर्धचालक ईजी के नियत के लिए ताप टी में वृद्धि होने पर गामा की यहाँ पर चर घातांक के रूप से बढ़ती है ये रो यानी, अथवा प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि के साथ चर घातांक के रूप से बढ़ती है, तो ये प्रतिरोधकता बताएंगे यहाँ पर। यद्यपि ताप बढ़ने के साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन और होलो की अर्धचालकों में कंपनशीलता परमाणुओं में टक्कर में वृद्धि होती है और म्यू एन और म्यू पी के मान में यानी इलेक्ट्रॉन और होल के मान में कमी आती है, किंतु यह कमी इतनी अधिक प्रभावी नहीं होती है जितनी कि इलेक्ट्रॉन में ताप में होने वाली वृद्धि के कारण प्रतिरोधकता के मान में होने वाली वृद्धि है।
नए अर्धचालकों के ताप के साथ चालकता में वृद्धि उनका एक विशेष गुण है जो धातुओं में नहीं होता है। धातुओं के लिए ताप में वृद्धि के साथ चालकता में कमी प्रेक्षित होती है, यानी प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है धातुओं के लिए, जबकि अर्धचालकों में प्रतिरोधकता की कमी होती है, जो कि सामान्य व्यवहार यानी कि प्रतिरोधकता टी की पावर माइनस वन यानी प्रतिरोधकता है डायरेक्टली टेम्परेचर के समानुपाती होती है, इसका व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसका कारण यह है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व एन के साथ नहीं बदलता। ताप में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन और धातुओं में उपस्थित कंपनशीलता आयनों में होने वाली टकराव में वृद्धि के कारण चालकता के ताप के साथ कमी आती है। तो यहाँ पर हम देखें कि नैज अर्धचालकों के लिए ताप प्रतिरोधक गुणांक यानी टेम्परेचर कॉफिशियंट रेजिस्टेंस ऋणात्मक होता है। सिलिकॉन के लिए इसका औसत मान -0.07 के होता है। और यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक में Ni इक्वल टू जीरो और रो इक्वल टू जीरो को चालक व्यवहार करता है। नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होने के कारण अर्धचालक युक्तियों में इनका सीधा कोई उपयोग नहीं होता है, किंतु इनकी प्रतिरोधकता में ताप और आपतित प्रकाश ऊर्जा के कारण परिवर्तन होता है। इन्हें विकिरण सुग्राही प्रतिरोध के रूप में मकाम लिया जाता है। 300 के ताप पर नैज जर्मेनियम की प्रतिरोधकता का परिकलन करें तो जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन व हॉल की गतिशीलता है ना, कि यहाँ पर देखें नैज अर्धचालकों के लिए प्रतिरोधकता का सूत्र हो जाएगा ये, और ये प्रतिरोधकता निकाल लेंगे। यहाँ पर हम देखें आपतित प्रकाश का अवशोषण किया जाता है किस अधिनियम, अधिकतम तरंग दैर्ध्य आपतित प्रकाश का अधिनियम किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें एच मिनिमम के अकॉर्डिंग आ जाएगी वैल्यू, डेल मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1242 डिवाइड बाई ईजी। भारी है और अपद्रवी अर्धचालक की बात करें, जैसा कि यहाँ पर पहले के बताया गया कि नैज अर्धचालकों की चालकता सीमित होती है, इस कारण उनका सीधा उपयोग नहीं किया जाता है। किसी नैज अर्धचालक में यदि अत्यल्प मात्रा में उपस्थित अपद्रव्य और अशुद्धि मिला दी जाए तो प्राप्त अर्धचालकों की चालकता नैज अर्धचालकों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि करने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। इस प्रकार ताप अर्धचालक भारी अपद्रव्य अपमिश्रित अर्धचालक कहलाता है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे चतुसंयोजी चालकता के लिए अशुद्धियां या तो आवर्त तालिका के पंचम समूह से यानी कि पांचवें ग्रुप से आर्सेनिक और एंटीमनी फास्फोरस, या तृतीय समूह से जैसे एल्युमिनियम गैलियम और रेंडियम बोरॉन आदि होते हैं। इन अपद्रव्यों के कारण या तो अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है या हॉलो की संख्या बढ़ जाती है। इस कारण से अपद्रवी चालक दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अपद्रवी चालक, पी प्रकार के अपद्रवी चालक। अर्धचालकों की चालकता का नियंत्रण अपमिश्रित किए गए अपद्रवों की मात्रा द्वारा किया जाता है। अशुद्धि तत्व की मात्रा अत्यल्प होती है। नैज अर्धचालकों के लिए 10 की पावर 6 परमाणु की संख्या में अपद्रव्य का एक परमाणु मिश्रित किया जाता है। इस कारण मूल क्रिस्टल संरचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, किंतु चालकता में वृद्धि बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए 10 की पावर 9 जर्मेनियम परमाणुओं में बन अपद्रवी परमाणु मिश्रित करने पर उनकी चालकता का मान नैज अर्धचालकों की तुलना में 10 की पावर 3 गुना बढ़ जाता है, और प्राय सभी अर्धचालक युक्तियां अपद्रवी अर्धचालकों के द्वारा निर्मित होती हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों की बात करें, जब एक चतुसंयोजी नैन अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि अल्प मात्रा में मिश्रित की जाती है तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इस प्रकार की अशुद्धि मिश्रण का अर्धचालक पर निप्रभाव समझने के लिए हम नैज सिलिकॉन में फास्फोरस परमाणु के मिश्रित का कारण लेते हैं। इस प्रकार मिश्रण की प्रक्रिया में सिलिकॉन की क्रिस्टल संरचना में कहीं कहीं सिलिकॉन फास्फोरस परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। चूंकि अशुद्ध परमाणु अत्यल्प मात्रा में मिश्रित किए जाते हैं, अतः इनके चारों तरफ दूर दूर तक सिलिकॉन परमाणु होते हैं। पर फास्फोरस परमाणु के पास आबंध बनाने के लिए 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं, पर निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु में प्रत्येक के पास केवल 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अतः पंच संयोजी फास्फोरस पर 4 निकटवर्ती परमाणुओं से 6 संयोजी आबंध बना ले जाते हैं, पर इसके पास 5वीं इलेक्ट्रॉन अपरिबद्ध रह जाता है। इन 4 इलेक्ट्रॉनों की तुलना में 5वीं इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में बहुत ही दुर्बल द्वारा बांधा होता है। इनकी बंधन ऊर्जा लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है, और यह ऊर्जा क्रिस्टल के परमाणुओं के मध्य तापीय ऊर्जा की कोटि के होने से यह इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण कर मुक्त हो जाती है, और कक्ष ताप पर ऐसे पर प्रत्येक पर अशुद्ध परमाणु से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक अशुद्ध परमाणु अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है। इस कारण अशुद्ध परमाणु को दाता परमाणु और इस प्रकार अशुद्धियों को दाता अशुद्धियां कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व दाता परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। दूसरी ओर सिलिकॉन सिलिकॉन आबंधों को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि के होने के कारण ताप से प्राप्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। अतः सामान्य ताप पर 10 की पावर 10 सिलिकॉन परमाणुओं में से लगभग एक परमाणु की ताप जनित इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म उत्पन्न करता है। अब यदि अर्धचालक में प्रति 10 की पावर 6 सिलिकॉन परमाणुओं पर एक अशुद्धि फास्फोरस परमाणु उपस्थित है और प्रत्येक परमाणु
फास्फोरस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को प्राप्त होने और 10 की पावर 10 परमाणुओं को एक इलेक्ट्रॉन ताप द्वारा आवरण टूटने से प्राप्त होने की क्रिया को तुलनात्मक रूप से देखने पर 10 की पावर 4 अनुपात 1 अनुपात में इलेक्ट्रॉन क्रम से दाता अशुद्धियां और तापीय रूप से प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार की अत्यल्प अशुद्धियां भी चालन योग्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चालकता 10 की पावर 4 के गुणांक से बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हॉल की संख्या से अधिक होती है, अतः यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक और हॉल अल्पसंख्यक आवेश वाहक कहलाते हैं। इस प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं और इसी तथ्य को इंगित करता है कि मुक्त धारा वाहकों में इलेक्ट्रॉन संख्या बहुसंख्यक होती है। तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, अशुद्ध परमाणु है जैसे कि अंदर की साइड होगा। तो अशुद्ध परमाणु में अगर 5वां इलेक्ट्रॉन है, अगर 5वां पंच सिलिकॉन में फास्फोरस परमाणु की अशुद्धि का मिश्रण करने पर एन प्रकार के अर्धचालक में ऋणात्मक आवेश वाहक होगा, क्योंकि 4 का तो बंध बन जाएगा, एक यहाँ पर फ्री रह जाएगा। तो धनात्मक वाहकों की तुलना में बहुत अधिक है, किंतु एन प्रकार के एक अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है। दाता परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है और धनायन बन जाता है, जिससे अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु के माध्यम से क्रिस्टल को प्राप्त होते हैं, उतने ही धन आयन भी निर्मित यहाँ पर हो जाते हैं। इस कारण क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। धन आयन क्रिस्टल के अपने स्थान पर बने रहते हैं क्योंकि उनके शेष इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं की दृढ़ता पूर्वक आबंधन में होते हैं, अतः उनका विद्युत चालन में कोई योगदान नहीं होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, धनायन यहाँ पर हैं और ये अल्पसंख्यक हॉल है, कुछ यहाँ पर अल्पसंख्यक हॉल होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? बैंड मॉडलों के आधार पर एन प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या हम देखें। जब किसी नए अर्धचालक में दाता प्रकार की अशुद्धियां अपमिश्रित यानी डॉपिंग की जाती हैं, तो इन अशुद्धियों के कारण वर्जित ऊर्जा अंतराल में चालन बैंड के तल में थोड़ा नीचे अन्य अशुद्धि परमाणुओं की ऊर्जा स्तर अवस्थित हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूनतम ऊर्जा यानी ईसी, और अन्य ऊर्जा यानी ईडी का अंतर। ईसी माने सीडी अत्यल्प होता है, यानी सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः दाता स्तरों के इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के तापीय कंपनों से इतनी ऊर्जा आसानी से ग्रहण कर इन स्तरों में चालन बैंड पहुंच जाते हैं, अतः यह धारा प्रवाह में योगदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा को संक्रमण करके भी चालन बैंड में पहुंचते हैं, जैसा कि नए जड़चालकों में होता है। इस प्रक्रिया में संयोजी बैंड में हॉल उत्पन्न होते हैं, परंतु इस संयोजी बैंड में हॉल संख्या चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन संख्या की तुलना में कम रह जाती है, क्योंकि ताप जनित इलेक्ट्रॉनों के साथ चालन बैंड को दाता ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। तो चालन बैंड में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन की बात करें, फिर दाता परमाणु स्तर के अकॉर्डिंग ये संयोजकता बैंड आ जाएगी, अल्पसंख्यक हॉल यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि ये अल्पसंख्यक हॉल है, और ये दाता परमाणु स्तर कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड के पास में चला जाएगा। तो ये एन प्रकार के अर्धचालकों का बैंड मॉडल है, यानी एन प्रकार के अर्धचालकों में ये दाता परमाणु स्तर है, ये यहाँ पर चला जाएगा कंडक्शन बैंड के पास में, और हॉल हमारे नीचे हो जाएंगे। पी प्रकार के अर्धचालक की बात करें, जब एक नए सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रि संयोजक तत्व जैसे कि एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम या गैलियम की अत्यल्प अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है, तब पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, नए सिलिकॉन में इंडियम की अशुद्धि तत्व के रूप में मिश्रित किया जाए, तो इंडियम का एक परमाणु अपमिश्रण के कारण क्रिस्टल संरचना में कहीं कहीं एक सिलिकॉन परमाणु का स्थान ले लेता है। इसके 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती 3 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आवंध बना लेते हैं, लेकिन चौथे सिलिकॉन परमाणु का एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन आवंध नहीं बन पाता है। अतः क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु के एक और रिक्त स्थान रह जाता है, जो हॉल उत्पन्न करती है। कमरे के ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण निकट के किसी अन्य सिलिकॉन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के इस अशुद्ध परमाणु के पास उपलब्ध रिक्तता में चला जाता है, जिससे यहाँ आबंध पूरा हो जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध परमाणु अब ऋण आवेशित आयन बन जाता है, और साथ ही जिस सिलिकॉन परमाणु से इलेक्ट्रॉन रिक्तता में आया था वहां हॉल बन जाता है। इस प्रकार ऐसे अपद्रव्य अर्धचालकों में प्रत्येक अशुद्धि परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अर्धचालकों में एक हॉल उत्पन्न कर देता है। ये हॉल उन हॉलों के अतिरिक्त होते हैं जो आबंध टूटने के कारण प्राप्त होते हैं। यहाँ अपद्रव्य परमाणु ग्राही कहलाते हैं, क्योंकि परमाणु हॉल बनाने की क्रिया में नए अर्धचालकों के आबंधों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और हॉलों की संख्या घनत्व अपद्रव्य के अपमिश्रण की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक में मुक्त हॉलों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बहुत अधिक होती है, अर्थात यहाँ हॉल में इलेक्ट्रॉन बहुत अल्प बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक धारावाहक होते हैं, क्योंकि हॉल धनावेशित कणों जैसा व्यवहार करते हैं। अतः ऐसा अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। बैंड संरचना के आधार पर पी प्रकार के अर्धचालकों को समझा जा सकता है। ग्राही परमाणुओं के अपमिश्रण से वर्जित ऊर्जा अंतराल में ग्राही ऊर्जा स्तर उत्पन्न होते हैं, जो संयोजकता बैंड को अधिकतम अनुमत ऊर्जा यानी ईबी के अत्यल्प ऊपर होते हैं।
इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का निरूपण करें तो सिलिकॉन के लिए ई ए माइनस ई वी यानी कि 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए ई ए माइनस ई वी यानी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतनी ऊर्जा क्रिस्टल की तापीय कंपनों में आसानी से प्राप्त कर संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों को इन ग्राही ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हो जाता है, जिससे संयोजकता बैंड में होल उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हॉल के अकॉर्डिंग फ्री रह जाएगा, तो ये हॉल रहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या रहेगा, हॉल रहेगा, ये एक हॉल यहाँ पर फ्री रह जाएगा। शुद्ध परमाणु यहाँ पर मिलाया गया है इंडियम, तो इंडियम में तीन के अकॉर्डिंग बनता है, तो एक हॉल यहाँ पर रह जाएगा, जैसे कि सिलिकन का एक हॉल यहाँ पर बन जाएगा, सिलिकन के चार के अकॉर्डिंग बन जाएगा, लेकिन इंडियम में तीन ही होते हैं, एक हॉल यहाँ पर रह जाएगा, तो ये गलत बना हुआ है, यहाँ पर हॉल रहेगा। तो पी प्रकार के अर्धचालक के लिए आवंद चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ईए की वैल्यू एक्सेप्टर आयन है ये बैलेंस बैंड के पास में आ जाएगा, जैसे कि एन प्रकार के में ये यहाँ पर था, और पी प्रकार के में ये एक्सेप्टर आयन यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर डॉवर ईडी था, एन प्रकार के में यहाँ पर ईडी था, पी प्रकार के में यहाँ पर ईए आ जाएगा, यानी अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये बहुसंख्यक हॉल है और संयोजकता बैंड के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए ऊर्जा बैंड मॉडल एन प्रकार के अर्धचालकों की तरह पी प्रकार का अर्धचालक भी जितने अतिरिक्त तो हॉल जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणविक स्तर पर इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि उसका संपर्क सतह पर क्रिस्टल संरचना सतत बनी रहे, तो इस संपर्क सतह को पीएन जंक्शन या इस प्रकार की बनी युक्ति को पीएन संधि यानी पीएन जंक्शन डायटोमियम। एकल क्रिस्टल में इस प्रकार अशुद्धियां अपमिश्रित की जाती हैं कि उनके एक प्रभाग में पी प्रकार का अर्धचालक और दूसरे प्रभाग में एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, और इन क्षेत्रों के बीच की परिसीमा पीएन संधि कहलाती है। एक पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ दबाकर संप्रेषित करने पर पीएन संधि नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इस अवस्था में संपर्क सतह पर क्रिस्टल संरचना सतत नहीं रहती है। पीएन संधि निर्मित होते ही एन प्रकार के प्रभाग द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुसंख्या में है और संधि को पार कर पी प्रभाग में विसरण यानी कि डिफ्यूजन आरंभ करते हैं। इसी प्रकार पी प्रकार के प्रभाग में उपस्थित बहुसंख्यक हॉल संधि को पार करके एन प्रभाग में विसरित होना प्रारंभ कर देते हैं। यद्यपि हॉल और इलेक्ट्रॉन के विसरण विपरीत क्रिया में हो रहे हैं, किंतु इनके कारण उत्पन्न धाराएं समान दिशा में यानी कि पी क्षेत्र की ओर होती है। इस प्रकार विसरण धारा उत्पन्न होती है जो पी से एन की ओर होती है। पी प्रभाग में उपस्थित ऋणात्मक ग्राही आयन और एन प्रभाग में उपस्थित धनात्मक दाता आयन अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, और बहुसंख्यक आवेशों के विसरण से इस प्रक्रिया में संधि के पास एक असीमित क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और हॉल परस्पर पुनः संयोजन करके इस प्रकार एक सीमित क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और हॉल की संख्या में कमी आ जाती है, और इस कारण संधि के निकट पी क्षेत्र में ऋण आयनों और एन क्षेत्र में धन आयनों की परत बन जाती है, यानी एन की तरफ धन आयन बन जाएंगे और पी की तरफ ऋण आयन बन जाएंगे। एन की तरफ जो हॉल है वो पी की तरफ जो हॉल है वो एन की तरफ जाने लगते हैं, एन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है पी की तरफ जाते लगते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और हॉल चले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस बच जाएगा, यहाँ पर ओनली यहाँ पर माइनस बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, धनात्मक दाता आयन है, और हॉल क्या है, ऋणात्मक ग्राही आयन है। तो इसके अकॉर्डिंग इस परत में मुक्त इलेक्ट्रॉन और हॉल की कमी हो जाती है, और यह परत डिप्लेक्शन लेयर कहलाती है। तो ये लेयर क्या कहलाएगी, डिप्लेक्शन लेयर, जिसे अक्षय क्षेत्र कहते हैं। अक्षय परत में उपस्थित इन आयनों के कारण इस परत में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और आयनों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा एन पार्श्व से पी पार्श्व की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र जैसे ई हो रहा है, इसकी दिशा है ई से पी की तरफ हो रही है। इस विद्युत क्षेत्र ई आई की दिशा इस प्रकार से दृष्ट होने के कारण यह पी से एन पार्श्व में जाने वाले हॉल व एन पार्श्व पी पार्श्व में आने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों को प्रतिकर्षित करता है, यानी पी से जो एन पार्श्व में जाने वाले हॉलों को प्रतिकर्षित करेगा और ये विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, जो और जो एन पार्श्व से पी पार्श्व की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों को प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात विसरण धारा का विरोध करता है। किंतु यह पी पार्श्व में उपस्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और एन पार्श्व में उपस्थित अल्पसंख्यक हॉलों पर विचार करें तो इस विद्युत क्षेत्र इनके अपव्यय में सहायक होता है। इस कारण अल्पसंख्यात्मक धारा भाग अपव्यय धारा को जन्म देते हैं और एन से पी की ओर दिश धारा होती है। संधि निर्माण के पश्चात अत्यल्प समय में यह क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि यह बहुसंख्यक धारावाहकों से उत्पन्न
विसरण धारा और अल्पसंख्यक धाराभाव से उत्पन्न अपव्यय धारा परिणाम में बराबर हो जाती है और परस्पर निरस्त कर देती है। यही कारण है कि साम्यवस्था में पीएन संधि में कोई धारा नहीं बहती है। इस विद्युत क्षेत्र को रोधी का विद्युत क्षेत्र यानी बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण अक्षय परत के पी प्रभाग और एन प्रभाग के मध्य उपस्थित विद्युत विभवांतर को विभव रोधी का कहते हैं, और यहाँ एन प्रभाग पी प्रभाग की तुलना में उच्च विभव होता है। रोधी का विभव का परिणाम पीएन संधि के निर्माण के लिए उपयोग में लिए गए अर्धचालकों की प्रकृति उनके ताप और अपमिश्रण की मात्रा पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से उपलब्ध सिलिकॉन पीएन जंक्शन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, यानी जर्मेनियम पहला था तो 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन बाद में था 0.7 वोल्ट हो गया। अक्षय परत की चौड़ाई एल पी और एन जो डी है पी और एन के प्रभाव में उपस्थित औषधियों की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि अपमिश्रण अधिक मात्रा में उपस्थित है चौड़ाई बहुत कम होगी। यह चौड़ाई माइक्रोन यानी 10^-6 मीटर कोटि की होती है। रोधी का विभव बीबी और रोधी का क्षेत्र ई एफ परस्पर यहाँ पर हम इस सूत्र से देते हैं जैसे कि ई बी इक्वल टू बीबी डिवाइड बाई डी। यदि सिलिकॉन पीएन जंक्शन की अक्षय परत की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर मान ली जाए तो इस संधि पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा 7×10^5 वोल्ट/मीटर। पीएन संधि को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जाता है, जब पी सिरा एन सिरे की तुलना में उच्च विभव हो और जब एन सिरा पी सिरे की तुलना में उच्च विभव हो। तो यहाँ पर अग्रदृशिक अभिनति यानी फॉरवर्ड वाइसिंग और अग्र उत्क्रम अभिनति यानी रिवर्स वाइसिंग कहलाती है। दोनों स्थितियों में पीएन संधि का परिपथ में विद्युत व्यवहार बहुत अलग होता है। और यहाँ पर हम देखें अग्रदृशिक अभिनति यानी फॉरवर्ड वाइसिंग की बात करें, जब पीएन संधि का पी सिरा भारी बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा जाता है तो पी सिरा एन सिरे से उच्च विभव पर होता है और इस समय संधि अग्र अभिनति की अवस्था में रहती है। अभिनति के स्थान पर बाह्य सद्विभव प्रचलन में है। इस अवस्था में संधि पर एक बाहरी विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है जो पी से एन की दिशा में दिष्ट होता है। उपस्थित आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई आई के विपरीत दिशा में होता है। इस कारण संधि पर उपस्थित रोधी का विभव का मान घट जाता है। जब पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर गति करते हैं तो इस कारण अक्षय परत पहले से अधिक इलेक्ट्रॉन वे होल पहुंचते हैं, इसकी चौड़ाई घट जाती है। विभव रोधी का मान कम हो जाने के कारण संधि को आर पार और अधिक धाराभाग विकसित होते हैं और पी सिरे के होल ई क्षेत्र की दिशा में और एन सिरे के इलेक्ट्रॉन ई क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो इस स्थिति में विसरण धारा अपव्यय धारा से बहुत अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रभाव की बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रभाव यहाँ से पी से एन की तरफ होगा और एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इधर से इधर होल आ रहा है। तो यहाँ पर धारा की दिशा देखें, धारा की दिशा पी से एन की होगी। पी क्षेत्र में बैटरी के धनात्मक सिरे के समीप सहसंयोजकता आबंध तोड़ करके कोई इलेक्ट्रॉन यदि इस दूसरे सिरे तक पहुंचे तो प्रक्रिया के फलस्वरूप एक होल उत्पन्न हो जाता है जो संधि क्षेत्र की ओर गति करने लगता है। इलेक्ट्रॉन संयोजकता तार यानी कंजक्शन वायर में होता हुआ बैटरी के धन सिरे पर पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन एन में प्रवेश कर संधि की ओर गति करता है। इस प्रकार संधि से धारा प्रवाह होता है और पी क्षेत्र में धारा प्रवाह होल के कारण और एन क्षेत्र में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और इस क्षेत्रों में बहुसंख्यक धाराभाग है, अतः यह धारा मुख्यतः बहुसंख्यक धारा को विसरण के कारण स्पष्ट है। तो इस अभिनति के द्वारा संधि में धारा प्रवाह में सहायक मिलती है और इस कारण इसे अग्रदिशा की अभिनति कहते हैं। और यानी कि पी सिरे को पॉजिटिव से एन सिरे को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इसे फॉरवर्ड वाइसिंग कहते हैं। बाह्य परिपथ में धारा केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। यदि बैटरी द्वारा प्रयुक्त विभवांतर बढ़ा दिया जाए तो विभव रोधी का अधिक घट जाएगी और अधिक बहुसंख्यक धारावाहिक संधि क्षेत्र में विसित होंगे। विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा क्योंकि संधि से धारा प्रचालन सुगमता से हो रहा है, अतः संधि में का प्रतिरोध भी यहाँ पर अल्प हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें रिवर्स वाइसिंग। रिवर्स वाइसिंग में क्या होगा, पी नेगेटिव से जोड़ देंगे, एन पॉजिटिव से जोड़ेंगे, यानी पीएन संधि का पी सिरा ऋणात्मक सिरे से और एन सिरा धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है। संधि रिवर्स वाइसिंग में कहलाएगी और इस स्थिति में बाह्य से विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है यानी एन सिरे से पी सिरे की तरफ है। परिणाम स्वरूप संधि पर ऊपर जो उपस्थित विभव रोधी का मान पूर्व से अधिक पहले से अधिक हो जाएगा। इस कारण बहुसंख्यक धारा वाहकों की संधि से विसित होने में संभव नहीं होगा और अपितु पी क्षेत्र में होल और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि से दूर भागने लगते हैं। इससे अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। इस स्थिति में संधि से बहुत ही अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होती है जिसका कारण अल्पसंख्यक धारावाहकों का अभाव है, किंतु इस धारावाहकों की संख्या बहुत कम होने से यह धारा भी अत्यल्प होती है। इस धारा की कोटि जर्मेनियम पीएन संधि के लिए माइक्रो एम्पियर यानी 10^-6 और सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर यानी 10^-9 एम्पियर होती है। सामान्यतः विभवांतरों के लिए अल्पसंख्यक धारावाहकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, अतः यह धारा ऐसे विभवांतरों पर नियत बनी रहती है। इस कारण इसे उत्क्रम संतृप्त धारा यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं।
उत्क्रम अभिनति पीएन संधि के बारे में बात करें, ये अक्षय क्षेत्र हो जाएगा, ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र के अकॉर्डिंग पीएन क्षेत्र पॉजिटिव रह जाएगा, पी क्षेत्र यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और एन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये अक्षय परत के अकॉर्डिंग काम करेगा। नेक्स्ट हम देखें, इस प्रकार उत्क्रमित अभिनति में अल्प धारा प्रवाह होने से पी एन संधि का प्रतिरोध उच्च होता है, और यदि संधि के ताप में वृद्धि की जाए तो सहसंयोजक आबंध टूटने से अल्पसंख्यक धारावाहकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और परिणाम स्वरूप उत्क्रमित अभिनति संतृप्त धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है और संधि का ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यदि विभवांतर का मान एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो धारा अचानक तेजी से बढ़ती है और यह प्रक्रिया संधि का भंजन कहलाता है। और इसको आगे हम देखें, पीएन संधि डायोड उसके विभव धारा अभिलक्षण की बात करें, पीएन संधि की परिपथ में जोड़ने के लिए पीएन सिरों पर धारा धात्वीय इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, और इन युक्ति को डायोड कहा जाता है। डायोड शब्द डाई इलेक्ट्रोड का संक्षिप्त रूप है, इसका आशय है कि दो इलेक्ट्रोड से है। पीएन संधि डायोड का अर्थ अलग डायोड कहते हैं, इसे परिपथ में दर्शाने हेतु काम लिया जाता है। पीएन संधि डायोड होगा यानी को एन क्षेत्र से निरूपित करते हैं, वाण की दिशा में पीछे एन की ओर हो और अग्र अभिनति में धारा के प्रवाह को प्रदर्शित करती है। किसी डायोड पर प्रयुक्त विभवांतर के परिवर्तन के साथ इसके संगत डायोड में बढ़ने वाली धारा के परिवर्तन को दर्शाने के लिए वक्र डायोड यानी कि बीआई अभिलक्षण कहलाते हैं, और पीएन संधि का अग्र अभिनति और पश्च अभिनति के लिए व्यवहार अलग अलग होने से यहाँ दो प्रकार के अभिलक्षणिक वक्र दिखाए गए हैं। तो अग्र अभिनति अभिलक्षण यानी फॉरवर्ड वाइसिंग क्रेस्टिस, उत्क्रमित अभिनति अभिलक्षण यानी रिवर्स वाइसिंग क्रेस्टिस कहलाएगी। अग्र अभिनति अभिलक्षण की बात करें, एक अग्र दिशिक अभिनति यानी पीएन जंक्शन डायोड के बीआई अभिलक्षण प्राप्त होते हैं, और यह प्रायोगिक परिपथ व्यवस्था प्रदर्शित करती है। यहाँ विभव भाजक व्यवस्था यानी पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट द्वारा डायोड पर आरोपित विभवांतर को परिवर्तित किया जाता है, जिसे डायोड के समांतर क्रम में लगे वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। विभव के विभिन्न मानों के संगत डायोड में बहने वाली धारा आई को मिली एमीटर द्वारा नोट किया जाता है, इस प्रकार बी और आई के मानों में खींचा जा सकता है। और यहाँ पर पीएन संधि डायोड का अग्र अभिलक्षणिक वक्र कहलाता है। पीएन संधि अग्र अभिलक्षण प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था दिखाई गई है यहाँ पर, जैसे कि फॉरवर्ड वाइस निकालने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया है और ये वोल्टमीटर लगा दिया है, और एम्पियर मिली एम्पियर के अंदर करंट मेजर करेंगे। तो पीएन संधि का अग्र अभिलक्षण जो करंट का और वोल्टेज के बीच में जो कर्व आएगा उस तरीके से आएगा। अग्र अभिनति में विभव के अति अल्प माना यानी जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट के लिए अग्र धारा अत्यल्प होती है। इसका कारण आरोपित विभवांतर का मान रोधी का विभव से कम है, इससे धारा प्रवाह सुगम नहीं होता है। डायोड का यह वक्राकार ओए भाग यह निरूपित करता है कि विभवांतर का मान बढ़ते प्रदर्शित करते हैं। जिस विभव पर धारा का मान तेजी से बढ़ना प्रारंभ करता है वह डायोड का नी वोल्टेज कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट होगा तो ये कहलाएगा नी वोल्टेज, एनवी से दिखा दें इसको, तो नी वोल्टेज कहलाएगा, कट इन वोल्टेज कह सकते हैं इसको। और ए विभव के सन्निकट के लिए जर्मेनियम यानी कि नी वोल्टेज का मान जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट होता है। फिर हम देखें उत्क्रमित अभिनति अभिलक्षण यानी रिवर्स वाइसिंग क्रेस्टिस, रिवर्स वाइसिंग क्रेस्टिस में इस तरीके से आएगी है, भंजन क्षेत्र होगा यहाँ पर। तो उत्क्रमित अभिनति में पीएन डायोड बीआई का अभिलक्षण वक्र प्राप्त करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली प्रायोगिक व्यवस्था है। इसमें यहाँ पर विभव भाजक की सहायता से पीएन सिरे के बैटरी के प्रारंभ से ऋणात्मक और धनात्मक सिरे जोड़ दिए जाते हैं। उत्क्रमित धारा के अत्यल्प होने के कारण इस परिपथ में मिली एमीटर के स्थान पर माइक्रो एमीटर का प्रयोग किया जाता है, और विभिन्न उत्क्रमित विभवों के संगत उत्क्रमित धारा का मापन कर उसमें वक्र खींचे जाने पर यह यहाँ पर दर्शाया गया है कि पीएन संधि उत्क्रमित अभिलक्षणिक के प्रयोगों के द्वारा ये दर्शाई जाएगी, यानी पी से एन के अकॉर्डिंग होगी है, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव के अकॉर्डिंग होगी, ये माइक्रो एम्पियर में ली जाएगी रिवर्स एम्पियर में, जबकि फॉरवर्ड वाइस में मिली एम्पियर में, और जबकि रिवर्स वाइस में माइक्रो एम्पियर में करंट बहेगी। और यहाँ पर ये वोल्टेज होगा, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है बीवी, ब्रेकडाउन वोल्टेज, इस वोल्टेज से ज्यादा पर एकदम करंट बहुत तेजी से बढ़ती है। तो यहाँ पर हम देखें कि उत्क्रमित अभिनति में धारा अल्पसंख्यक धारावाहकों के कारण होने से अल्पतल्प होती है और लगभग नियत रहती है, जब तक कि उत्क्रमित विभव का भंजन यानी बीवी तक नहीं पहुंच जाए। भंजन विभव पर विभव में अल्प वृद्धि से उत्क्रमित धारा तेजी से बढ़ती है। एक अर्धचालक डायोड के लिए संपूर्ण अग्र अभिनति एवं उत्क्रमित अभिनति का वक्र यहाँ पर दिखाया गया है कि फॉरवर्ड से रिवर्स में यानी फॉरवर्ड में इस तरीके से बढ़ेगी, फॉरवर्ड वाइस में और रिवर्स वाइस में इस तरीके से बढ़ेगी, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगा, और यहाँ पर ये नी वोल्टेज कहलाएगा। फॉरवर्ड में मिली एम्पियर में बहेगी, रिवर्स में ये माइक्रो एम्पियर में बहेगी।
तो यहाँ पर हम देखें कि बोल्टन नियम संबंधी आवश्यकता न होने पर डायोड को कभी भी व्यंजन क्षेत्र में प्रचालित नहीं किया जाता है। अतः यदि वक्र के इस भाग को छोड़ते हुए शेष भाग पर विचार करें तो अग्रावनति अवस्था में मिली एम्पियर में करंट बहेगी, उत्क्रमित अभिनति में ये धारा बहती है और पीएन जंक्शन डायोड एक दिशिक यानी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, अर्थात केवल एक दिशा में धारा प्रवाह को अनुमति देता है। तो डायोड के अभिलक्षण वक्र से यह प्रदर्शित करते हैं कि ओम के नियम का पालन भी ये नहीं करती है। तो यानी कि अरेखीय युग्म है यानी नॉन लीनियर डिवाइस होती है डायोड। डायोड में प्रवाहित धारा की बात करें तो आई इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल डी क्यू बी डिवाइड बाई के टी के अकॉर्डिंग -1 हो जाएगा, यानी क्यू इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। के बोल्ट्जमान नियतांक है, टी संधि का ताप है, बी संधि पर प्रयुक्त विभवांतर है, आई एस संतृप्त धारा है और ई एक्सपोनेंशियल क्यू बी डिवाइड बाई के टी के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 1 होगा, यानी आई इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल क्यू डिवाइड बाई के टी बी के अकॉर्डिंग हो गए, धारा वैभव के लिए चरघातांक के रूप में बढ़ती है और उत्क्रमित अभिनति में बी के ऋणात्मक होने के कारण एक्सपोनेंशियल क्यू बी डिवाइड बाई के टी लेस देन 1 होगा, यानी आई इक्वल टू -IS होगा। तो उत्क्रमित अभिनति में धारा लगभग नियत बनी रहती है। तो समीकरण में जर्मेनियम डायोड के लिए अभिलक्षण वक्रों के प्रायोगिक मानों में लगभग पूर्ण मेल खाती है और सिलिकॉन से निर्मित डायोड केवल गुणात्मक रूप से इस समीकरण का पालन करते हैं। साथ ही दोनों प्रकार के डायोड के लिए उत्क्रमित अभिनति में यह समीकरण भंजन विभव से अधिक पर लागू नहीं होता है। प्रतिरोध की हम बात करें रेजिस्टेंस के स्थान पर गतिक यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस याद करना अधिक उपयोगी होगा। फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस बात करें तो फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी डेल बी डिवाइड बाई डेल आई, यानी कि अग्र अभिनति विभव में अल्प परिवर्तन डिवाइड बाई का खींची गई है जो असल के मान का व्युत्क्रम होती है, यानी कि फॉरवर्ड डायनेमिक जो रेजिस्टेंस होता है वो ओम के अकॉर्डिंग होता है, यानी डेल बी डिवाइड बाय डेल आई के अकॉर्डिंग निकालेंगे। प्रतिरोध की बात करें, उत्क्रम वक्र संगत, अतः उत्क्रम प्रतिरोध बहुत उच्च होगा और यह मेगा ओम की अनुसार होगा, यानी 10 की पावर 6 ओम के अकॉर्डिंग होगा। तो उत्क्रम भंजन में बात करें रिवर्स ब्रेकडाउन में, जैसे कि उत्क्रम अभिनति में डायोड का विभव का मान एक निर्धारित सीमा VV से अधिक होने के पर उत्क्रम धारा अल्प में रह करके तेजी से बढ़ती है और इस प्रक्रिया को डायोड का उत्क्रम भंजन या जिस विभव में VV में यह प्रारंभ होगी तो उसे भंजन विभव कहा जाता है। भंजन का यह प्रक्रम दो क्रिया विधियों में और किसी न किसी दोनों के कारण ब्रेकडाउन। एवलेंस ब्रेकडाउन क्या होता है, उत्क्रम अभिनति विभव के उच्चतम मानों पी और एन क्षेत्रों के अल्पसंख्यक आवेश नए इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म में मुक्त हो जाते हैं और यह आवेश वाहक भी त्वरित होकर के नए इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म में उत्पादित करते हैं। यह प्रक्रिया संचयी होती है और जिस कारण अल्पसंख्यक धारावाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है वह उत्क्रम धारा एकाएक बढ़ जाती है और यह प्रक्रिया एब्लांसी भंजन कहलाती है। यदि धारा पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो धारा से उत्पन्न ऊष्मा में डायोड के क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। यदि डायोड के क्षतिग्रस्त होने से पूर्व विभव का मान कम कर दिया जाए तो डायोड द्वारा धारा कम हो जाएगी और डायोड पुनः उत्क्रमित संतृप्त व्यवहार दर्शाता है। जेनर भंजन की बात करें, जेनर भंजन क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन, यह प्रक्रिया ऐसे डायोड में होती है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक डोपिंग होने के कारण अपक्षय परत पतली होती है। ऐसी स्थिति में उत्क्रम अभिनति विभव की अपेक्षाकृत कम मान पर भी संधि पर विद्युत क्षेत्र तीव्र हो जाता है जिससे संधि के निकट सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन पर पर्याप्त बल लगता है और ये आबंध टूट जाते हैं। इस कारण अल्पसंख्यक धारावाहकों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रक्रिया का उपयोग में लाया जाता है, जेनर डायोड कहलाते हैं। इनके उपयोग का अध्ययन
अभिनेत्री। उनकी धारा में 1 मिली एम्पियर का पी एन डायोड का दृष्टकारी के रूप में जो पी एन डायोड एज रेक्टिफायर अनुसरण दृष्ट धारा के जनन और संचरण से धारा ही लोड प्रतिरोध आर एल से जोड़ दिया गया है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड लगाएंगे। ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली से बिंदु ए और बी के मध्य प्रत्यावर्ती बी एस हो जाएगा डायोड, तो नेगेटिव में हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव के लिए हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये हमारा कराएगा अर्ध से उच्च पर होगा, इस कारण डायोड फॉरवर्ड बायस अवस्था में होगा, यानी कि अग्र अभिनति अवस्था में होकर चालन करेगा। और इस स्थिति में लोड प्रतिरोध आर एल पर विभवपात होगा और निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के ऋणात्मक अर्धचक्र में सिरा ए ऋणात्मक और सिरा बी धनात्मक होने से डायोड उत्क्रमित अभिनति अवस्था में होगा। उत्क्रमित अभिनति में धारा प्रवाह नगण्य होने के कारण डायोड का अचालन की अवस्था में माना जा सकता है, इस कारण परिपथ में धारा नहीं बहेगी। लोड प्रतिरोध आर एल में केवल एक दिशा में ए से बी की ओर धारा प्रवाह होगा, अतः आर एल के सरो पर उत्पन्न विभवपात दृष्ट प्रकृति का होता है। यद्यपि यह विभवपात स्पंद युक्त अर्थात परिणाम में परिवर्तनशील है, पर इसकी दिशा परिवर्तनशील नहीं हो रही है, परंतु यह परिपथ में डायोड द्वारा प्रत्यावर्ती विभव के ऋणात्मक अर्ध चक्र को निरुद्ध कर देता है, जिससे पूर्ण प्रत्यावर्ती चक्र में संगत विभव संगत मिश्रक विभव में केवल अर्ध तरंग ही प्राप्त होती है। अतः इस परिपथ को अर्ध तरंग दृष्टकारी कहा जाता है। और यहाँ पर उपयुक्त परिणत प्रक्रिया प्रत्यावर्ती विभव के क्रमागत चक्रों के लिए दोहराई जाती है। निवेशी प्रत्यावर्ती विभव और निर्गत विभव के तरंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अर्ध तरंग दृष्टकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती विभव का केवल आधा चक्र उपयोग में रहता है, शेष अर्ध तरंग अनुपयोग रहती है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती विभव का संपूर्ण चक्र दृष्ट विभव में परिवर्तन पर काम करता है, इस कारण अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से आधी रह जाती है। अतः सामान्यतः अर्ध तरंग दृष्टिकारी का प्रयोग में नहीं लिया जाता है। यहां तक उल्लेखनीय है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के परिपथ में ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग ऐच्छिक है, इसके बिना भी निवेशी विभव को सीधे डायोड या लोड प्रतिरोध संयोजक पर प्रयोग किया जा सकता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या कर देंगे हम, दो डायोड लगा देंगे यहाँ पर, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बन जाएगा। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के परिपथ में निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान निर्गत दृष्ट धारा प्राप्त होती है, और यह दो संधि डायोड इस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं कि एक डायोड निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के धनात्मक अर्ध चक्र का तथा दूसरा डायोड ऋणात्मक अर्ध चक्र का दृष्टिकरण होता है, और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये क्या होगा, निवेशी विभव, और इसके अकॉर्डिंग आएगा ये निर्गत आउटपुट आएगा, यानी कि एक में ये डायोड काम करेगा और एक में ये डायोड काम करेगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो ये डायोड काम करेगा, और जब नीचे पॉजिटिव होगा तो ये डायोड काम करेगा। तो इसका मतलब दोनों डायोड के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए निवेशी और निर्गत विभव की तरंग रूप यहाँ पर दिखाया गया है। निवेशी प्रत्यावर्ती ट्रांसफॉर्मर यानी प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली में ए बी के मध्य संधि डायोड डी वन और डी टू तीसरे के साथ जोड़ दिए जाते हैं। डी वन डी टू एक्स और ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य निकासी यानी कि सेंटर टैप कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि सेंटर टैप ये डायोड काम करेगा, तो
करंट की वैल्यू के अंदर, तो देखें कि मध्य निकाशी ट्रांसफार्मर के लिए बिंदु सी को निर्देश बिंदु यानी कि रेफरेंस जीरो पोटेंशियल माना जाता है, और इस बिंदु के सापेक्ष एक समय में यदि द्वितीय कुंडली का एक सिरा धनात्मक और दूसरा सिरा ऋणात्मक है तो पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए द्वितीय का सिरा ए धनात्मक और बी ऋणात्मक होगा, और इस अवस्था में डायोड डी1 फॉरवर्ड बायस होगा, डी2 रिवर्स बायस होगा, डी1 के द्वारा चालन होगा परंतु डी2 के द्वारा नहीं होगा, और अर्धचक्र में धारा डी1 से होती हुई एक्स से सी की तरफ बहती हुई आरएल पर विभवपात करेगी। इसी प्रवाह की दिशा को हम देख सकते हैं कि निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के ऋणात्मक अर्धचक्र में सिरा बी धनात्मक व सिरा ए ऋणात्मक होगा, इस कारण D2 यहाँ पर फॉरवर्ड बायस और डायोड D1 रिवर्स बायस में होगा, डायोड D1 द्वारा चालन नहीं करेगा, धारा प्रवाहित होगी और इस धारा प्रवाह की दिशा को डैश क्रम दोनों अर्धचक्रों में लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाह एक दिशा में होगी। इसका कारण है कि पूर्ण तरंग प्रदिष्टकारी में निर्गत धारा विभव न केवल एक दिशा के अपितु विचित परिपथ में मध्य पूर्ण तरंग दिशकारी की बात करें यानी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें, इस प्रकार के पूर्ण तरंग दिशकारी में मध्य निकासी ट्रांसफॉर्मर का होना आवश्यक नहीं है, और नेगेटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या काम करेगा, D3 काम करेगा यानी D1 और D3 काम करेगा। जब पॉजिटिव पर D3 काम करेगा तो इस तरीके से हमें वेवफॉर्म मिलेगी। तो वेवफॉर्म कैसी मिलेगी यहाँ पर, कंटिन्यूस मिलेगी, रिकॉर्डिंग इस तरीके से वेवफॉर्म मिलेगी। निवेशी और ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली में ए सिरा धनात्मक और बी सिरा धनात्मक होता है, और डायोड D2 को उत्क्रमित अभिनति होते हैं और धारा बी से प्रारंभ होकर धारा प्रवाह में योगदान देते हैं, और शेष दो डायोड चालन नहीं करते हैं किंतु लोड प्रतिरोध में धारा प्रत्येक चक्र में एक से वाई की ओर बहती है, इस कारण यह देशिक होती है और RL निर्गत विभव दिष्ट प्रकृति का होता है। इस निर्गत विभव का प्रतिरूप भी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए प्राप्त प्रतिरूप के समान होता है, जैसा कि यहाँ पर है कि अधिक मूल्यों के मध्य निकासी ट्रांसफॉर्मर के स्थान पर साधारण ट्रांसफॉर्मर के प्रयोग में लाया जा रहा है, अतः सेतु दिष्टकारी पूर्णतः वर्णित पूर्ण तरंगी दिष्टकारी की तुलना में कम खर्चीला होता है, और यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना में एक महत्वपूर्ण लाभ है। दिष्टकारी परिपथ में काम आने वाले डायोड में ऐसे होने चाहिए कि वे चालन नहीं करते हैं, अर्थात उत्क्रमित अभिनति अवस्था में उनका भंजन नहीं हो जाए, अन्यथा उत्क्रमित अवस्था में ही उनका धारा चालन हो जाएगा और दिष्टकारी संभव नहीं होगा। इस कारण उनका भंजन विद्युत बहुत और ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली पर प्राप्त विद्युत शिखर के मान से अधिक होना चाहिए। ऐसे डायोड शक्ति डायोड यानी पावर डायोड कहलाते हैं। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत विभव के तरंग प्रतिलोम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभव एक दैशिक प्रकृति का है और पर परिणाम पर नियत नहीं है। सामान्य भाषा में ऐसे विभव को उच्चतम उच्च वचन वाला यानी कि दिष्ट विभव कहा जाता है, जबकि परिभाषा में शुद्ध दिष्ट विभव परिणाम में नियत रहता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के तरंग प्रतिलोम के गणितीय विश्लेषण से हम देखें कि यह ज्ञात है कि इस प्रकार का
परिवर्तनशील विभव, एक शुद्ध दृष्टि विभव और एक विभिन्न सन्नादी आवृत्तियों के प्रत्यारोपण करता है, इनकी सहायता से पृथक कर के शुद्ध दृष्टि विभव प्राप्त किया। दृष्टिकारी के अकॉर्डिंग ये समकारी फिल्टर हो जाएगा में लगा जो कैप्सूल घटक के लिए सी अनंत प्रतिबाधा उत्पन्न विशिष्ट व्यंजन वर्धक के डायोड का सविचरण किया जाता है। जब किसी डायोड का रचना किसी विशिष्ट व्यंजन वर्धक के लिए इस प्रकार की जाती है कि उत्क्रमित अभिनति वो नियत विभव के हो और लोड आर इस प्रकार लगाया जाता है कि लगाते हैं बी आई और को और डायोड व्यंजन क्षेत्र में आती है और प्रतिरोध आर एस का
तापमान इस प्रकार चयनित करते हैं उत्क्रम धारा में उत्पन्न परिवर्तन के मूल्य। तो ये प्रकाश की तीव्रता यानी रिवर्स बायस में दिखाया गया है। फोटोडायोड को उत्क्रम द्वारा नियम के कारण से संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं, यानी कि पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी प्रकार के अर्धचालक क्षेत्रों के मध्य एन प्रकार के अर्धचालक की
अल्प मोटाई का क्षेत्र ई से वी की ओर होता है, अतः पीएनपी ट्रांजिस्टर के प्रतीक से ई से वी की ओर अंकित करता है। इसी प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर में अग्र नदी के लिए बहुसंकारकीय अवनति यहाँ पर प्रदान करते हैं। जब उत्सर्जक आधार संधि और आधार संग्राहक संधि दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो तो ऐसे ट्रांजिस्टर का प्रचालन सेचुरेशन रीजन में होगा, और जब यानी कि संतृप्त क्षेत्र में होगा, जब उत्सर्जक आधार संधि और आधार संग्राहक संधि दोनों ही उत्क्रम अवनति यानी रिवर्स बायस में हो तो प्रचालन यहाँ पर कट इन कट ऑफ रीजन में होगा, और जब उत्सर्जक आधार संधि उत्क्रमित और आधार संग्राहक संधि यहाँ पर अग्रवाइस हो यानी कि जो इमीटर बेस जंक्शन है वो रिवर्स वाइस में और कलेक्टर इमीटर जंक्शन है फॉरवर्ड वाइस में हो तो ट्रांजिस्टर को इन्वर्टेड अवस्था में माना जाता है। तो इन अभिनतियों में पहली और सक्रिय अभिनति ही ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन को दौलत के रूप में काम करने के लिए उपयोग की जाती है, अतः ट्रांजिस्टर के प्रचालन के समझने के लिए इसे अभिनति का उपयोग करेंगे और स्विचिंग एवं तर्क संबंधी परिपथों में ले जाती है। इसका विस्तृत संबंध आगे करेंगे। ट्रांजिस्टर क्रियाविधि के बारे में बात करें, ट्रांजिस्टर के उचित विधि से कार्य करने के लिए ईवी जब संधि को फॉरवर्ड बायस और वीसी संधि को रिवर्स बायस अवस्था में रखा जाता है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर का प्रचालन सक्रिय अवस्था में माना जाता है, और यहाँ पर पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए सक्रिय अवस्था प्रदान करने वाले परिपथ दिखाए गए हैं। इन क्षेत्रों में हम दोनों संधियों के संगत अपचय क्षेत्र भी दिखाए गए हैं, जैसे कि दिखाया गया है। तो ये यहाँ पर होल इधर जा रहे हैं हमारे और इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहे हैं, यानी कि कलेक्टर बेस इमीटर यानी बेस करंट यहाँ पर थोड़ी बहुत बहेगी। तो ईवी संधि है, ये बीसी संधि है, ये ईवी संधि है, बीसी संधि का कुंडल दिखाया गया है। ईवी संधि यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है तथा बीसी संधि मादक गहन में है, यानी कि बीसी संधि रिवर्स बायस है। ईवी संधि संकीर्ण होती है, होगी ईवी संधि यहाँ पर संकीर्ण होगी, जबकि बीसी संधि उत्क्रम अभिनत होने के कारण अपेक्षाकृत चौड़ी होती है। ईवी संधि पर फॉरवर्ड अभिनत विभवांतर जो वीईवी का मान होता है 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट होगा, जबकि वीसी संधि पर उत्क्रम अभिनत विभवांतर वीसीवी का मान 5 वोल्ट से 15 वोल्ट के आसपास होगा। तो यहाँ पर हम देखें पीएनपी ट्रांजिस्टर के परिपथ में यदि विचार करें कि ईवी संख्या है तो ई क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश भाग हॉल बड़ी संख्या में इसे संधि के पार विस्तृत होंगे, इसे उत्सर्जक के आधार में हॉल का अंत क्षेपण कहा जाता है। इसी प्रकार आधार जो एन प्रकार के अर्धचालक है इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके उत्सर्जन में पहुंचते हैं, दोनों आवेश वाहकों की गति विपरीत दिशाओं में है पर इनके संगत धारा ई से बी की ओर बहेगी और यह धारा उत्सर्जक आई कहलाती है जो हॉल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण है, पर आधार क्षेत्र में मानक कम होने के कारण पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए यह धारा मुख्यतः हॉल के कारण होगी। यद्यपि उत्सर्जक से आधार एवं अंत विक्षेपित्व की प्रकृति इलेक्ट्रॉन से पुनः संयोजन की होती है, पुनः संयोजन की प्रक्रिया में नष्ट हुए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन वैसे है, इसका अग्र प्रतिरोध बहुत अल्प होता है। बीसी संधि रिवर्स वैसे है, इसका
आक्रमण प्रतिरोध अत्यंत कारण होती है यद्यपि पीएन ट्रांजिस्टर काम में लिए जाते हैं परंतु इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता हॉल से अधिक होने के कारण कॉमन बेस है। इसी तरीके से तो यहाँ पर यानी कि इमीटर से जो करें ये डायरेक्शन बाहर की साइड जा रही है, इसलिए मतलब ये होगा एनपीएन। ये यहाँ पर यहाँ पर ये भी रिवर्स बजट में, इसका मतलब ये भी रिवर्स है इसमें यहाँ।
निर्गत निवेशी वोटता कहलाती है, जबकि संग्राहक और आधार के मध्य ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगा हुआ है यहाँ पर, ताकि हम आईसी और आई के प्रभाव को देख सकें। और आर वन और आर टू यहाँ पर रखी गई है, जो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिवाइडर के लिए आर वन आर टू लगाई गई है। बीईवी और बीसीबी के मापन के लिए संभावित परिपथों में वोल्ट मीटर, उसी प्रकार आई और आईसी के मापन के लिए मिलीमीटर लगाए गए हैं। तो इस परिपथ की सहायता से निर्गत एवं निवेशी एवं निर्गत अभिलक्षणिक वक्र हम देख सकते हैं कि निवेशी अभिलक्षणिक में क्या होगा, निर्गत वोल्टता बीसीबी को इस तरह उद्देश्य होता है। इस हेतु सबसे पहले हम आर टू की सहायता से बीसीबी को किसी वांछित मान पर समायोजित कर उसे स्थिर रखा जाता है, और विभक्त आई के संगत मानों को मिलीमीटर से ज्ञात करते हैं। इस प्रकार बी सी बी के स्थिर मान अन्य स्थिर मानों के लिए भी दोहराई जाती है, और ध्यान रखें कि उत्क्रमित अभिनति होने के कारण के उपरांत जिसे ट्रांजिस्टर की डेली वोल्टता कहा जाता है, धारा तीव्रता से बढ़ती है। इसका कारण भी यहाँ पर पीएन संधि के अग्र अभिनति अभिलक्षणों को मिलीमीटर से पढ़ लेते हैं कि ये आई इक्वल टू जीरो पर बीसीबी इक्वल टू जीरो, आईसी भी शून्य होगा, पर आई इक्वल टू जीरो के लिए बीसीबी के अनु मानों पर आईसी वैल्यू वोल्टेज में है।
इस कारण गतिक जो प्रतिरोध है ट्रेन के वैनिष्ठ आधार विन्यास के लिए आईई का अनुपात को तो यहाँ पर क्या है इमिट एन पी एन पी देखें कि ये हमारा परिणाम है।
अगर अधिक ओवेनिस्ट आधार परिपथ के निवेशी प्रतिरोध यानी आर आई वी से किया जाए तो निर्गत आई वी की ज्ञात करने के लिए आर टू की सहायता से बी सी के मान को परिवर्तित करते हुए उसके संख्या होते हैं और बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो ट्रांजिस्टर के किसी भी न्यास के लिए उत्सर्जक धारा आई ई आधार धारा आई प्लस आई डिवाइड बाई बीटा नहीं सुनाई देती है। प्रवर्तकों के लिए निर्गत एवं निवेशी संकेतों के अनुपात को एम्पलीफिकेशन फैक्टर या लाभ कहते हैं। यानी गेन होगा संकेत वोल्टता निवेशी संकेत वोल्टता के अकॉर्डिंग बी आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट होगा। तो इस प्रकार हम देखें कि धारा प्रवर्धन गुणांक यानी करंट प्रति प्रवर्धन गुणांक पावर एम्पलीफिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे पावर गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी निर्गत संकेत शक्ति डिवाइड बाय निवेशी संकेत शक्ति इक्वल टू पी नॉट डिवाइड बाय पी आई के अकॉर्डिंग दी जाएगी यानी पी आउटपुट इक्वल टू बी नॉट इनटू आई नॉट।
पी आई इक्वल टू बी इन बाई इन टू आई आई, यानी ए पी की वैल्यू बी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई बी आई आई आई, ए पी की वैल्यू आ जाएगी ए बी ए आई। तो प्रवर्धन के लिए तीन प्रवर्धन गुणांक परस्पर संबंधित होते हैं। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में काम में लेने के लिए इसका एक टर्मिनल निवेशी और निर्गत परिपथों में उपनिष्ठ रखा जाता है। निवेशी संकेत जिसका प्रवर्धन किया जाना है उसको निवेशी परिपथ में प्रयुक्त किया जाना है और निर्गत परिपथ में लोड धारा लोड प्रतिरोध आर एल लगाया जाता है। ट्रांजिस्टर द्वारा प्रवर्धन क्रिया उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ उत्सर्जक दोनों ही विन्यासों से संभव है, किंतु उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए वोल्टता और धारा की शक्ति के साथ उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की तुलना में अधिक होते हैं। अतः यहाँ पर हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धन की अध्ययन कर चुके हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की बात करें यानी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की बात करें, पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ होता है। इसका उत्सर्जन निवेशी और निर्गत परिपथों के लिए उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ पर बीवी उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनति प्रदान करता है और बीसीसी ग्रेटर देन बीवी के साथ संग्राहक उत्सर्जक संधि को रिवर्स वाइज प्रदान करता है। तो बी आई संकेत बोलता है जिसका प्रवर्धन किया जाना है और निवेशी परिपथ में प्रयोग किया जाता है और लोड धारा आर एल पर निर्गत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो जिस पर बी आउटपुट प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओवेनिस्ट उत्सर्जक प्रवर्धक की बात करें यानी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की बात करें, तो यहाँ पर इनपुट है ये आउटपुट में इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पी एन पी हम लें तो ये पी एन पी हो जाएगा, पी एन पी तो ये क्या है, पी यहाँ पर पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव, बी सी सी है बी वी वी से ज्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती संकेत बी आई की अनुपस्थिति में आधार उत्सर्जक की संधि पर उपस्थित वीवी नियत होता है। इस कारण निवेशी धारा आई वी और उसके संगत धारा निर्गत धारा आई सी वी नियत दृष्टि से प्रकृति की होती है। बी आई की उपस्थिति में आधार उत्सर्जक संधि का विभांतर परिवर्तित होता है। ऐसे अल परिवर्तन होने पर आई वी में अल परिवर्तन आई वी होगा और संगत धारा आई सी में माना की परिवर्तन आई सी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें धारा गेन यानी करंट गेन क्या होगा, निर्गत संकेत धारा डिवाइड बाई निवेशी करंट आई सी डिवाइड बाई आई बी इक्वल टू बीटा आ जाएगा। बीटा की वैल्यू एक से बहुत ज्यादा है यानी निवेशी संकेत धारा निवेशी धारा से बहुत अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्सर्जक विन्यास में धारा प्रवर्धन है। और यहाँ पर ए आई ई में पदांक ई उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास को इंगित करता है। बोल्टता प्रवर्धन की बात करें, परिभाषा से बोल्टता प्रवर्धन की बात करें यानी निर्गत संकेत बोल्टता डिवाइड बाई बी आउटपुट डिवाइड बाई बी इनपुट और बी आउटपुट लोड प्रतिरोध आर एल पर उत्पन्न प्रत्यावर्ती बोल्टता है यानी आई सी इंटू आर एल, जब आई सी की वैल्यू ज्यादा है और बी इनपुट की वैल्यू आई बी इंटू आर आई। तो यहाँ पर हम देखें आर आई ई उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध है यानी ए वी इक्वल टू आई ई सी इंटू आर एल डिवाइड बाई आई वी इंटू आर वी, तो बीटा इंटू आर एल डिवाइड बाई आर ई और आर एल डिवाइड बाई आर ई एक ओवेनिस उत्सर्जक विन्यास के लिए प्रतिलोम लाभ यहाँ पर कहा जा सकता है। तो हम यहाँ पर कहें कि ये क्या हो जाएगा, ए वी इक्वल टू ए ई इंटू प्रतिरोध लाभ। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है आर एल और आई इक्वल होने पर भी, बीटा की वैल्यू एक से ज्यादा होने पर वोल्टेज प्रवर्धन संभव है। तो आर एल ग्रेटर देन आर आई ई यानी ए बी ग्रेटर देन बी बीटा, इससे बीटा भी एक से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब अधिक वोल्टता प्रवर्धन प्राप्त होगा। फिर शक्ति प्रवर्धन की बात करें, ए पी इक्वल टू ए आई इंटू ए बी, तो बीटा इंटू आर एल इंटू आर आई तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो बीटा ही एक से बहुत ज्यादा, तो बीटा स्क्वायर तो एक से बहुत ज्यादा होगा, ए पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब विन्यास में शक्ति प्रवर्धन भी संभव है। फिर कला संबंध की बात करें, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धन में निवेशी संकेत निर्गत संकेत का 180 डिग्री कालांतर यानी विपरीत कालांतर में होता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर ट्रांजिस्टर का ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ क्या होगा, यानी कि बीटा पूछा है। तो अल्फा और बीटा में संबंध देखें, बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई वन माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू दे रखी है क्योंकि धारा लाभ यहाँ पर दे रखा है। यानी एक ट्रांजिस्टर के ओवेनिस्ट आधार विन्यास में यानी कॉमन बेस में दे रखा है और हमें ओवेन कॉमन इमिटर में निकालना यानी पर हम देखें जैसे कि आधार आई वी का मान ज्ञात करना है। तो आई वी का मान कैसे निकालेंगे हम, आई सी ई इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई अल्फा से निकालेंगे, आई सी की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पर, आई सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम 1 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग, आई वी की वैल्यू आई सी माइनस आई ई माइनस आई सी से निकाल लेंगे। फिर हम देखें यहाँ पर हमें क्या निकालना, ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध निकालना है। तो आर आई वी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, यहाँ पर हमें धारा गुणांक निकालना है, धारा प्रवर्धन गुणांक निकालना है, निवेशी प्रतिरोध निकालना है। तो निवेशी प्रतिरोध निकाल लेंगे, धारा प्रवर्धन गुणांक यानी बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वोल्टेज लाभ भी निकाल लेंगे यानी कि वोल्टेज गेन भी निकाल लेंगे। अब हम देखें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकी में हम दो प्रकार के संकेत सिग्नल रूप फॉर्म में लेते हैं, एनालॉग और डिजिटल।
जब हम किसी धारा को अनुरूप प्रकृति कहते हैं तो ऐसे अभिप्राय कि ऐसी धारा वर्तता से होता है जो सतत के साथ सतत रूप से परिवर्तित होती है, और इस प्रकार के सिग्नल में धारा के किसी परास में सतत मान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के परिपथ में जैसे कि दृष्टिकारी प्रवर्धक, जिन्हें हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि वोल्टता जैसे इस तरीके से बढ़ेगी वोल्टता, वो कहलाएगी अनुरूप संकेत। एक अंकरूप संकेत ऐसा संकेत होता है जिसमें वोल्टता समय के साथ सतत रूप से परिवर्तित नहीं होती है, साथ ही वोल्टता में केवल विभक्त यानी डिस्क्रीट मान होते हैं, दूसरे शब्दों में पल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक बल्ब को लें जिसके साथ एक स्विच भी जुड़ा हुआ है, तो इस बल्ब में वोल्टता के लिए केवल दो ही स्तर संभव है, 0 जब स्विच ऑफ हो और अधिकतम 220 वोल्ट जब स्विच ऑन हो। तो इस अवस्था में बल्ब एक ऐसी युक्ति है जिसे बाइनरी वेरिएबल यानी द्विअंकारी चरबी के द्वारा आधारित कर माना जा सकता है। यदि शून्य वोल्टता को 0 से अधिकतम वोल्टता यानी 220 वोल्ट को 1 से व्यक्त किया जाए तो स्विच नियमित क्रमागत अंतरालों पर ऑन ऑफ करने पर बल्ब पर उपस्थित वोल्टता के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। जैसे कि स्विच ऑन है ऑफ है, ऑन है ऑफ है, तो ऑन है ऑफ है, तो इसके अकॉर्डिंग यह मिलेगा हमें। तो ये या तो 0 वोल्ट होगा या 5 वोल्ट होगा, तो वो कहलाएगा हमारा डिजिटल यानी कि अंकीय है। तो हम यहाँ पर अंक रूपी संकेतों को द्वि आधारी यानी कि 0 और 1 बिट्स की सहायता से व्यक्त करते हैं। 0 और 1 वोल्ट को प्रदर्शित करते हैं, बिट 0 को अनुपस्थिति और बिट 1 को उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे डिजिटल घड़िया, आधुनिक कंप्यूटर इत्यादि अंक रूपी युक्तियों को उदाहरण लें। अंक रूपी परिपथों में सामान्यतः उच्च वोल्टता यानी वी हाई 5 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट होता है, जिसे 1 से लेकर के निम्न वोल्टता स्तर यानी कि वी लो यानी 0 प्लस माइनस के 0.5 वोल्ट तक लेंगे और 0 से इसको निरूपित किया जाएगा। वी हाई और वी लो के यथार्थ मान का ज्ञान हमें आवश्यक नहीं है क्योंकि तो इन स्तरों में वोल्टता स्तर में बहुत अंतराल होता है। तो इस प्रकार हम बात करें जैसे कि लॉजिक गेट्स की बात करें, लॉजिक और तार्किक द्वार अंक रूपी परिपथों के आधारभूत भाग हैं, और तार्किक द्वार ऐसे तर्क संगत परिपथ होते हैं जिसमें एक या अधिक निवेशी टर्मिनल किंतु केवल एक निर्गत टर्मिनल होता है। निर्गत टर्मिनल पर केवल उसी समय निर्गत संकेत प्राप्त होता है जब निवेशी टर्मिनल पर पुनः प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे होते हैं, अर्थात निवेशी संकेतों के मध्य एक तर्कसंगत संबंध होता है। तो यहाँ पर और गेट की बात करें, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट की बात करें, तो ये एक तार्किक द्वार के निवेशी संकेतों को सभी संभावनाओं, उन संभावनाओं से संबंधित निर्गत संकेतों के लिए यहाँ पर एक सारणी के रूप में दिया जाता है जिसे हम ट्रूथ टेबल कहते हैं यानी सत्यता सारणी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं और गेट की। और गेट में क्या होता है, और गेट में हम जो सारणी बनाते हैं जैसे कि 1 और 1, 1 और 0 देते हैं। पहले हम स्टार्टिंग में 0 और 0 देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये फिर 0 और 1 देते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 1 और 0 देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर 1 और 1 देंगे तो क्या आएगा, फिर और गेट में 0 आएगा। तो और गेट का मतलब क्या है कि समान हो तो 0 है, समान होगा तो और गेट में 0 आएगा, असमान होगा तो, असमान होगा तो 0 आएगा, असमान होगा तो 1 आएगा। तो असमान में 1 है, समान में तो 0 है। तो यहां पर हम देखें कि 2 या 2 से अधिक निवेश केवल एक निर्गत आउटपुट होता है, किसी दो एक निवेश किसी भी एक निवेश के एक होने पर निर्मम में एक प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार के द्वार में जब कोई एक या एक से अधिक निवेश टर्मिनल पर संकेत बिट 1 प्राप्त होता है तो निर्गत भी 1 प्राप्त होगा, यानी सभी निवेशी शून्य अवस्था में ही निर्गत आउटपुट शून्य होगा। तो यहाँ पर यानी और गेट में क्या होगा, ये दोनों 1 होंगे तो भी 1 ही प्राप्त होगा, यानी ओनली दोनों 0 होंगे तभी 0 मिलता है, बाकी सभी सब टाइम पे 1 मिलता है। तो ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी यहाँ पर और गेट की। तो तार्किक द्वार क्योंकि ऐसे चरों पर आधारित है केवल 2 मान संभव है, 0 और 1, इस प्रकार के चर घातांकी से भिन्न होती है। तो बीजगणित को इसको हम बूलन बीजगणित के नाम से कहा जाता है। इस प्रकार के संबंधों में अध्ययन करने के लिए बूलन एक्सप्रेशन यानी बूलिय व्यंजक का काम लेते हैं। एक निवेशी और द्वार यानी टू इनपुट और गेट के लिए 2 निवेशी क्रम से ए और बी निर्गत और बाई को यहाँ पर ए प्लस बी के रूप में देखा जाएगा, बाई इक्वल टू ए प्लस बी, ये आउटपुट हो जाएगा। यानी दोनों 0 है तो 0, दोनों 1 1 है 0 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 1 को जोड़ते हैं तो 1 0 आता है आउटपुट। तो 1 0 में सबने 1 को ले लिया, यानी दोनों 0 होंगे तभी 0 आएगा और गेट के अंदर। और गेट है इसका आउटपुट किस तरीके से निकलेगा, निवेशी द्वार का और गेट का प्रतीक किस तरीके से होगा, ये और गेट का प्रतीक है। तो यहाँ पर जब भी निवेशी ए और बी में किसी एक दोनों में से एक का मान 1 है तो निर्गत आउटपुट 1 प्राप्त होगा। तो और गेट सक्रिया का समांतर क्रम में जुड़े विद्युत स्विचों की सहायता से समझा सकता है कि विद्युत परिपथ में ए और बी समांतर क्रम में है, वे एक बैटरी या एक बल्ब के साथ जुड़े हुए हैं। ए और बी की बंद अवस्था को एक से इसके खुले परिपथ की अकॉर्डिंग 0 से और बल्बों में प्रदीप्त कर सकते हैं, यानी 2 बल्ब जुड़े हुए हैं।
अगर इनमें से एक भी बल्ब अगर ऑन होता है, यानी स्विच एक भी ऑन होता है यहाँ पर, तो हमारा बल्ब जलेगा। तो इसके द्वारा यानी विद्युत स्विचों की सहायता से और गेट का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया गया है। यानी जब स्विच ए और बी दोनों खुले हैं तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी बल्ब नहीं जलेगा। ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, यानी वाई इक्वल टू जीरो। जब स्विच ए बंद है, बी ओपन है, तो भी यहाँ पर विद्युत धारा जाएगी और विद्युत जब बल्ब जलेगा। अगर ए बंद है, बी जीरो है, तो भी जलेगा। अगर दोनों ओपन है, तो दोनों बंद है, तो भी बल्ब जलेगा यहाँ पर। तो ये और गेट का क्या बन जाएगा, सिंबल बन जाएगा। अब और गेट को दो और डायोड के द्वारा भी बना सकते हैं, व्यवहार में एक द्विनिवेशी डायोड के द्वारा बना सकते हैं। अगर एक भी डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो यहाँ पर हमें धारा मिलेगी, यानी दो डायोड के द्वारा देखे जाते हैं। 0 वोल्ट को 0 से और 5 वोल्ट को 1 से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ए और बी अगर दोनों 0 हैं, इसका मतलब दोनों में कोई संकेत नहीं मिलेगा, दोनों डायोड प्रचालित नहीं होंगे, यानी ऑन नहीं होंगे, आर का कोई व्यवपात नहीं होगा, बाई इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। और यहाँ पर सत्यता सारणी को यहाँ पर 5 वोल्ट रखें और 0 वोल्ट के अकॉर्डिंग देखें, अगर जिसको भी 5 वोल्ट यानी ए को 5 वोल्ट किया, तो भी हमें आउटपुट मिलेगा, D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। बी को 5 वोल्ट कर दिया, तो D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और दोनों को 5 वोल्ट कर दिया, तो दोनों यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो यानी आउटपुट हमें 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा, और आउटपुट हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं एंड गेट। एंड गेट में क्या है, एंड गेट में होता है, एंड गेट में दोनों 1 है तभी 1 मिलेंगे, अन्यथा हमें 0 मिलेगा एंड गेट में। यानी एंड गेट में मल्टीप्लाई करते हैं। एंड गेट 2 या 2 से अधिक निवेशी एक निर्गत होता है, इसमें निर्गत एक तभी प्राप्त होता है जब सभी निवेश एक। तो ऐसी अवस्था में एंड गेट से हमें आउटपुट मिलेगा। तो एंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम देखें एंड क्रिया को, बूलियन अर्थ का क्या होगा, भाई निवेशी 1 है तब भी निवेशी उच्च 1 प्राप्त होगा, समझ सकते हैं। जैसे दो स्विच ले कि दोनों 1 का मतलब क्या है, दोनों स्विच बंद है, एक भी 0 है, इसका मतलब चले गए। तो दो डायोड हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों डायोड को रिवर्स बायस में लगा दिया। अगर हम यहाँ पर 5 वोल्ट दे तब भी हम कह सकते हैं कि वजह से यहाँ पर मिलेगा। अगर एक बार 5 वोल्ट दिया हमने, तो एक रिवर्स वाइस हो जाएगा, एक फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा, एक रिवर्स वाइस हो जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देखें प्रतिरोध आर एक 5 वोल्ट विभवांतर की बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, वोल्ट लगा दिया हमने। इसका मतलब यहाँ पर क्या करते हैं हम, टर्मिनल ए और बी प्रत्येक को अगर 0 अथवा 5 वोल्ट विभव बिस्तर पर दे सकते हैं, और ए और बी दोनों 0 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं D1 D2 क्या होंगे, रिवर्स वाइस होंगे, प्रचार नहीं करेंगे। और यदि ये आदर्श डायोड हैं, तो इन पर कोई व्यपात नहीं होगा, अतः प्रतिरोध आर पर 5 विभव पथ बाई श्रेणी के सापेक्ष से 0 पर होगा और बी में चालन अवस्था में होगा। यदि डायोड ए आदर्श है, तो इस पर कोई व्यपात नहीं होगा, तो पुनः प्रतिरोध आर पर 5 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी बाई इक्वल टू 0 है तब भी यहाँ पर 5 वोल्ट लगने पर ये सत्यता सारणी के अनुसार हम देखें कि दोनों अगर 1 होंगे, दोनों 5 वोल्ट होंगे, तो दोनों डायोड आचालन अवस्था में होंगे और प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो ऊपरी सिरा उतने ही विभव पर होगा जितना कि निचला विभव है, और 5 वोल्ट यानी वाई इक्वल टू 1 होगा। यानी यहाँ पर हम क्या करें, 5 वोल्ट 5 वोल्ट देंगे दोनों पर, तभी ये धारा है यहाँ पर पहुंच पाएगी। अगर 5 वोल्ट यहाँ पर है, 5 वोल्ट यहाँ पर है, तो ये फॉरवर्ड वाइस नहीं हो पाएगा। तो तब तक ये फॉरवर्ड बायस होंगे, यानी धारा यहाँ पर बहती रहेगी, तब तक ये आउटपुट मिलता रहेगा। तो करंट इधर की साइड बहती रहेगी, बाई पर हमें एक आउटपुट नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर इनको दोनों को हम क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड बायस से हटाएंगे, तभी हमें आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। तो डायोड के द्वारा एंड गेट को दिखाया गया। फिर नॉट गेट देखते हैं। यह एक ऐसा तार्किक द्वारा जिसमें केवल एक ही निवेश और केवल एक ही निर्गत होता है, यानी कि निर्गत पर निवेशी के विपरीत अवस्था होती है। दूसरे शब्दों में निर्गत निवेशी का नकार होता है, यानी नोटेशन होता है। यदि निवेशी 1 अवस्था है, तो निर्गत 0 अवस्था होगा। निवेशी 0 प्राप्त होने पर निर्गत 1 प्राप्त होगा। तो ये प्रतिलोम कन्वर्टर होगा, यानी वाई इक्वल टू ए वेक्टर होगा, यानी 0 की जगह 1 मिलेगा, 1 की जगह 0 मिलेगा। नॉट सक्रिया से हमें देखें कि विद्युत परिपथ में निर्गत के समांतर बल्ब क्रम में एक स्विच जुड़ा हुआ है, और स्विच 1 है तो तब बल्ब वाई ऑफ, और जब स्विच 0 है तो बैटरी से प्राप्त धारा के कारण
वायु प्रदीप्त बंद होगा। तो यहाँ पर आर एक प्रतिरोध है, स्विच ए बंद होने पर बैटरी का लघुपतन होने से बचाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट गेट में, नॉट गेट में अगर यहाँ पर बंद देते हैं और ये यहाँ पर ओपन है तो बनी मिलेगा। अगर यहाँ पर जीरो दिया तो जीरो देने पर ये स्विच अगर ऑन होगा तो आउटपुट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, अगर स्विच ओपन होगा तो आउटपुट जी मिलेगा। यानी नॉट गेट का प्रतीक है ये, व्यवहार में नॉट गेट के द्वारा जो भी प्राप्त होगा यानी बंद देंगे तो जीरो मिलेगा, जीरो देंगे तो बंद देंगे बन मिलेगा। तो उत्सर्जक ई भूसंपर्क के तम संग्राहक सी को यहाँ पर आरसी के दृष्ट यानी बीसीसी के अकॉर्डिंग हम देखें, जैसे इस तरीके से ट्रांजिस्टर नॉट गेट दिखाया गया है, ट्रांजिस्टर नॉट गेट की तरह काम करेगा तो यहाँ पर आरसी बीसीसी दिया जाएगा तो ट्रांजिस्टर नॉट गेट की तरह काम करेगा। बाई संग्राहक सी के सापेक्ष से विभवांतर यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखें, जब निवेशी ए भी भूसंपर्कित किया जाए तो वी इक्वल टू जीरो, आधार भी भूसंपर्कित हो जाता है, अर्थात उत्सर्जक संधि पर कोई अविनति नहीं होती है और आधार संग्राहक संधि उत्क्रम अविनति होती है। इस स्थिति में आधार शून्य और उत्सर्जक धारा शून्य होने के साथ साथ संग्राहक धारा भी शून्य होगी और ट्रांजिस्टर आतंक अवस्था में होगा। अतः संग्राहक पर विभव विभव पृथ्वी के सापेक्ष यानी +5 वोल्ट VCC होगा। अतः निवेश नॉर गेट की बात है, यहाँ और द्वार के हो जाएगा तो नॉर में क्या होगा, ए प्लस बी का बार हो जाएगा। हमारा यानी कि जो गेट का आउटपुट सिंबल हो जाएगा। इसी तरीके से नैंड गेट में एंड में नॉट लगा देंगे तो नेंड बन जाएगा, तो नेंड में जो एंड मिल रही है। इस तरीके से हम देखें नॉर गेट और बी जो बी बार के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ए बी बार जीरो, ए बी बार के अकॉर्डिंग हम लिखें कि ये दोनों बंद होगा इस तरीके से, और फिर हम दोनों को और भी करेंगे यहाँ पर यानी कि एंड करेंगे फिर और करेंगे, तो ये एक्सओआर का प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि नॉर के द्वारा बूलिया परिपथ दिखाया गया है, नॉर के लिए ए यानी कि एक्सओआर के लिए बूलिया परिपथ दिखाया गया है, एक्सओआर को किस तरीके से दिखाया जाएगा यहाँ पर। तो नैंड द्वार और नॉर द्वार अंकीय परिपथों के निर्माण में यानी बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम आते हैं, तथा नैंड द्वार और नॉर द्वार का उपयोग और द्वार एंड गेट नॉट गेट द्वारा बनाए जा सकते हैं। इस कारण इन्हें यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। नैंड द्वार की सहायता से नॉट एंड और गेट प्राप्त करने के लिए हम देखें यहाँ पर, जैसे नैंड गेट की सहायता से नॉट गेट बनाया गया है, नैंड गेट की सहायता से 2 बार अगर हम नैंड नैंड लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा, और 3 बार अगर नैंड नैंड लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, नो और गेट बन जाएगा। तो नैंड गेट के द्वारा हम यहाँ पर देखा है तीनों गेट कैसे प्राप्त करते हैं, यानी ए वेक्टर का बार क्या ए बार प्राप्त होगा और नॉट गेट प्राप्ति प्रक्रिया होगी। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर गेट की सहायता से भी हम बना सकते हैं, नॉर गेट की सहायता से जैसे कि
के जानते हैं पदार्थों की विद्युत चालन क्षमता ऊर्जा विंड संचरण के आधार पर उन्हें चालक कुचालक और अर्धचालक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूर्णतः रिक्त एवं पूर्णतः कुचालकों की तुलना में बहुत कम लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। परम शून्य ताप पर इनका व्यवहार कुचालकों जैसा होता है। कम ताप पर संयोजकता बैंड के कुछ उपयोग समूह के तत्व आर्सेनिक फास्फोरस और अपद्रव्य के रूप में मिलाने पर एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। अपद्रव्य को दाता अशुद्धि कहा जाता है। युक्त भूमिका मुख्य भूमिका होती है। निर्माण के समय संधि के निकट अक्षय परत निर्मित होती है जिसमें आबंधित धन और ऋण का कारण है। पीएन संधि पर आधारित युक्ति पीएन डायोड और अर्धचालक डायोड कहलाती है। बायस विभव स्रोत की उपस्थिति में संधि विभव का परिवर्तन होता है। संधि विभव की अग्र अभिनति में पी टर्मिनल एन टर्मिनल की तुलना में उच्च विभव होता है। उत्क्रमित अभिनति अवस्था में इसका विपरीत स्थिति प्राप्त होती है। अग्र अभिनति में डायोड के द्वारा धारा चालन होता है जबकि उत्क्रमित अभिनति अवस्था में अत्यल्प धारा प्रवाह के कारण डायोड अचालन अवस्था में माना जाता है। पीएन संधि डायोड का मुख्य उपयोग दृष्टकरण में होता है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जा सकता है। अर्धचालक डायोड कुछ अन्य विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं जिसमें जीनर डायोड भी एक है जो उत्क्रमित अभिनति अवस्था में प्रचालित होकर वोल्टता नियमन में काम आता है। चालक के प्रकाशीय गुणधर्मों पर आधारित पीएन युक्तियां भी होती हैं जिनमें फोटोडायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड मुख्य हैं। संधि ट्रांजिस्टर एक अत्यंत महत्वपूर्ण युक्ति है। इसमें पीएन संधियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं पीएन एनपीएन पीएनपी और एनपीएन। इनके मध्य आधार बहुत ही पतला अत्यल्प मंदित होता है और अन्य दो भाग उत्सर्जक और संग्राहक कहलाते हैं। उत्सर्जक में संग्राहक की तुलना अधिक अपद्रव्य मिश्रण होता है परंतु अपद्रव्य मिश्रण की प्रकृति समान होती है। संधि ट्रांजिस्टरों के सामान्य प्रचालन में आधार उत्सर्जक की संधि अग्र अभिनति और आधार संग्राहक संधि उत्क्रमित अभिनति में रखी जाती है। परिपथ संयोजन में ट्रांजिस्टर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि आधार संग्राहक और उत्सर्जक में कोई भी एक निवेशी निर्गत दोनों परिपथों में उपनिष्ठ होता है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर के तीन परिपथीय विन्यास संभव है। इन विन्यासों में ट्रांजिस्टर के विद्युतीय गुणधर्म भिन्न होते हैं। ट्रांजिस्टर के ओवेनिष्ठ आधार एवं ओवेनिष्ठ उत्सर्जक संरचनाओं में धारा परिवर्तन गुणांक एल्फा और बीटा के परस्पर नियम अनुसार होते हैं यानी बीटा इक्वल टू एल्फा डिवाइड माइनस एल्फा। एल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ओवेनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धन में उच्च वर्धा लाभ उच्च धारा लाभ और उच्च शक्ति लाभ प्राप्त होता है। अंक रूपीय इलेक्ट्रोपथ में दिया आधारित संख्या पद्धति प्रयुक्त होती है। इस संख्या पद्धति में दो संख्या 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। तार्किक संक्रियाओं पर आधारित युक्त तर्क यहाँ द्वार कहलाते हैं। ये युक्तियां ओर गेट एंड गेट नॉट गेट और नॉर गेट द्वार और नैंड गेट नॉर गेट और नैंड गेट द्वार से नॉर गेट सार्वत्रिक द्वार कहलाते हैं क्योंकि नैंड गेट और नॉर के द्वारा विभिन्न संयोजनों से अन्य तर्क प्राप्त किए जा सकते हैं। और नैज सिलिकॉन होते हैं। नैज जर्मेनियम नैज सिलिकॉन यहाँ पर आदर्श कुचालक होते हैं। कुचालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्नलिखित कोटि का होता है तो वो होता है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर हम देखें किसी एंड द्वार के लिए तीन निवेशी यानी एबीसी है तो उनका निर्गत क्या होगा एंड के लिए, तो एंड के लिए यहाँ पर होगा ए डॉट बी डॉट सी।
किसी ट्रांजिस्टर में ओवेनिष्ट आधार परिपथ में धारा प्रवर्धन गुणांक यानी अल्फा दे रखा है, आई ई की वैल्यू दे रखी है, और आधार धारा निकालनी है यानी आई वी की वैल्यू दे रखी निकालनी है। तो आई वी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ पर 0.1 मिली एम्पियर आएगी। यहाँ पर हम देखें कि ये नैंड गेट से बनाया गया है, नैंड गेट और नैंड गेट क्या बनेगा, एंड गेट बनेगा। तो नैंड नैंड मिलकर के एंड बनता है, नॉर नॉर मिलकर के और बनता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की तरह उपयोग में लाया जा रहा है। तो प्रवर्धन के लिए उपयोग में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक के आधार की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से आधार की ओर चलते हैं, अगर प्रवर्धन की तरह काम किया जाता है। इसको हम अगर इसका बहुलीय प्रमेय बनाए तो जैसे कि ए बार होगा, ए बार और ये यहाँ पर क्या है, वी है, तो ये और गेट है, तो ये ए बार प्लस वी हो जाएगा। यहाँ पर ए बार प्लस बी हमें आउटपुट मिलेगा, तो ए बार प्लस बी ये हमारा आउटपुट मिलेगा।